मैंने बीकॉम किया है, बीकॉम मैन सादा समझ, रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है एग्जाम से पहले। मैंने बीकॉम किया है, मैंने सीए भी किया है, मैंने सीएस भी किया है, आधा एलएलबी किया है। पूछो आधा क्यों? हाँ, तो बहुत पुरानी बात है कि मैं दो सेमेस्टर दिया एलएलबी के, एलएलबी के दो सेमेस्टर देने के बाद दीज पीपल से मी कि अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। अच्छू अरे सिलेबस वापस चेंज हो गया तो मैं वापस देखा गया? इमेजिन तुमको आईसीआई बोल रहा है सिलेबस चेंज, वापस से फाउंडेशन दो। तुमको मालूम है ना वापस दिया तो होने नहीं वाला। ये मालूम है ना? ठीक है। अच्छा, मैं क्या ऐसे लोगों का हाथ ऊपर देख सकता हूं जिनको डॉट 200 है? डॉट 200 बाय रिस्पेक्ट। अब धरती पे ना कुछ ही लोग आते हैं जिनको भारत रत्न दिया नहीं जाता, इनको आईसीआई दिया यार। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। इस कमिटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। कमिटमेंट ये है कि ये लेक्चर आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा। आई रिपीट, डीटी का लेक्चर आपके पूरे दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा, और पूरे दिन शायद आप इस लेक्चर के लिए जरूर वेट करोगे कि कल मेरे को टैक्स में जाना है, ये मेरे तरफ से कमिटमेंट है। और नहीं तो आपको जिस सीनियर ने भी इस लेक्चर के बारे में एडवाइस किया होगा उसको पूछ लेना कि उसने क्यों एडवाइस किया था, वो आपको वैसे भी बता देगा। ठीक है, दो बातें लेक्चर के अंदर में, मैं जहां तक आपको लेके जाना चाहता हूं प्लीज वहीं तक जाइएगा। मैं जानता हूं आजकल के बच्चे थोड़े से ज्यादा होशियार हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, और जिस टाइम जियो आया था तब तक के वेबसाइट के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो दे नो मोर देन। अच्छा, समझ गया तुमको? हाँ बेटा, बहुत भैया, ये मैथ से बहुत कुछ बदला है। पूछो क्या? हाँ, अब तक के ऐसा हुआ है बाई डिफॉल्ट, आई डोंट नो, लड़कियां इधर बैठती थी, लड़के इधर बैठते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट इस बैच से लड़कियां इधर बैठी और लड़के इधर बैठे, आई डोंट नो व्हाई। सो इन दैट वे, अच्छा जी, सो ऑब्वियसली बात है इस लेक्चर के अंदर में बहुत कुछ होने वाला है। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में हूं, मैं सीए फाइनल पे डायरेक्ट टैक्स लेता हूं, सीए फाइनल पे इंटरनेशनल टैक्स लेता हूं, मतलब सीए फाइनल में आपको मेरे साथ फिर से मिलना है अराउंड 200 मार्क के लिए। आई एम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम 9 इयर्स। आई हैव ऑफिस इन पुणे, आई हैव ऑफिस इन नागपुर, आई हैव ऑफिस इन जामनगर, सो इन दैट वे आई ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा बहुत, बाकी आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर के दौरान कि कितना है और कितना नहीं है। राइट, सबसे अच्छी बात वीस्मार्ट की ये रही है कि यहाँ पे जितने फैकल्टी इंटर को है वो सारे फैकल्टी फाइनल को भी है। बताते हुए बड़ा प्राउड होता है कि आउट ऑफ 50 वी हैव गॉट 43 ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाइनल फ्रॉम वीस्मार्ट, आउट ऑफ 50। एट इंटर वी हैव गॉट 5 ऑल इंडिया रैंक्स। राइट, AIR 1 एंड AIR 2 आर ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ वीस्मार्ट, सो इन दैट वे आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने बहुत प्रिपेयर किया होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि डीटी एंड जीएसटी बहुत एक ही टीचर लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उसका रीजन है वी ऑलवेज फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन विथ एवरीबडी whomsoever इट इज। एक और चेतावनी मैं आपको लेक्चर के पहले ही दे दूं, यहां बहुत कुछ होता है लेक्चर के दौरान। मतलब अब तक के मैं सीधी बात करूं तो मैं लेक्चर के दौरान एक्चुअली पागल होता हूं। ठीक है, तो यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो बस डरना नहीं है आपने कि आदमी के अंदर क्या आ गया, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पिछले बैच का, और आप देख सकते हैं, मतलब मैंने इंस्टा पे भी डाल रखा है मेरे, या बाकी चीजों पे भी डाल रखा है, कि कई बार ऐसा होता है कि बैच में बच्चे थक जाते थे और वो रिप्लाई नहीं करते थे, और मैं थोड़ा सा यू नो पागल किस्म का आदमी हूं, मैं वायर से बात कर लेता हूं, चेयर से बात कर लेता हूं, मतलब ठीक है सभी कर लेता हूं। और आज के बाद आप ये समझ के रखिए, आज से जो आपका ये जर्नी शुरू हो रहा है इंटर का, ठीक है, आपके सब कुछ हम ही है, भाई बहन दोस्त, यू नो सो कॉल्ड कजिन फ्रेंड, तो सर हर डे अपन यही मनाएंगे। इनफैक्ट अभी जो नवरात्र चल रहा है वो भी अपन मनाएंगे यहीं पे। अभी नवरात्र चल रहा है ना, देवी की पूजा की जाती है 14 तारीख तक। देवी की पूजा की जाती है ना 14 तारीख तक, समझ रहे ना बात को, ये सब होता रहता है। ठीक है, तो सारी देवियों को हम प्रणाम करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यार क्या है ये सब्जेक्ट? अच्छा सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट के बारे में तो बता दो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है?
बहुत बढ़िया बेटा, डायरेक्ट टैक्स। अच्छा मतलब सर, मतलब थोड़ी ना पता है हमको, उसी के लिए तुम यहां आए हैं। सर अगर मैं आपसे बात करूं ये सब्जेक्ट क्या है और आप कितने लकी हैं, सबसे पहली बात अगर आप देखें तो आप इतने लकी हैं सर कि द मोमेंट ये सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देगा। स्पेशली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बार बार अमेंडमेंट होता है, और आपका जो अटेम्प्ट है नवंबर अटेम्प्ट, ये और भी ज्यादा अच्छा है। पूछो क्यों? ऐसे क्यों? वो इसलिए क्योंकि नवंबर में फाइनेंस एक्ट जो है, अगर गलती से भी आप पास नहीं हुए तो जो मई 21 है ना उसमें आपका फाइनेंस एक्ट बदल जाता है, तो आपको टैक्स एक और बार पढ़ना पड़ता है। सर क्या आप हमें डरा रहे हैं? हां सर। क्यों डरा रहे हैं? अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। चलो जी, क्या बात है। चलो जी फाइनली हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात, सब्जेक्ट है और मैं अपने आप को बहुत एवरेज स्टूडेंट मानता हूं और इसी के लिए मैं बहुत जीरो से चालू करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। आज हम चार वर्ड पढ़ने वाले। कितने वर्ड पढ़ने वाले मालिक? चार। चार वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर से एक बार मेरे साथ कहना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये चार वर्ड को ही आज अपने को पढ़ने का है, ठीक है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे ये आखिर सब्जेक्ट आया कहां से, किसने लाया, क्यों लाया, कहां से आएगा, कहां को जाएगा, कुछ तो पूछोगे ना, ठीक है। तो आपके मन में भी एक आ रहा होगा कि आखिर इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है, आखिर इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है, ये सब्जेक्ट आया कहां से, ये सब्जेक्ट लाया किसने और किस तरीके से ये सब्जेक्ट वर्क करता है। सर सब्जेक्ट बहुत प्यारा है इनकम टैक्स। अगर हम सीधे सीधे इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आखिर ये सब्जेक्ट लाया किसने, वो कौन था जिसने हमारे को ये जिंदगी में डाल दिया। सर आप लोगों ने कभी चाणक्य के बारे में सुना है? ठीक है, चाणक्य इन अर्थशास्त्र पहली बार इस वर्ड को लिखा, उस टाइम इस वर्ड का नाम हुआ करता था कर। क्या कर? कर, ठीक है, उसका नाम हुआ करता था कर। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, और यू नो इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो इसे कर के नाम से जाना जाता था पहली बार, राइट। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर में टैक्स का उल्लेख किया व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उन्होंने इस वर्ड को लेकर के आया। देन अगेन कालिदास इन रघुवंश, कालिदास इन रघुवंश जब इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने किंग से कहा कि सर हम लोगों को टैक्स लगाना है, हम लोगों को कर लगाना है, राइट। द किंग, क्या लगाना है प्रभु? कर, कर। अरे करना क्या है, हमें कर लगाना है। उन्होंने बोला कैन यू प्लीज इलैबोरेट, हमें करना क्या है। उन्होंने कहा सर देखिए इस वर्ड को मेरे साथ बड़ा ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, इस वर्ड को जो कालिदास ने लिखा। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, इन इंडिया टैक्सेस वेर लेविड इवन इन द एशियन टाइम विच इज रिफर्ड इन अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स। इस वर्ड को जो कालिदास जी ने कहा, ये एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये वो वर्ड थे जो उन्होंने किंग से कहे पहली बार टैक्स लगाते हुए, कर लगाते हुए। एवरीबॉडी जिसने आवाज नहीं निकाली उसे अटेम्प्ट की कसम, ठीक है। इट इज ओनली फॉर द गुड of his subject that he collect taxes from them just as the sun draw moisture from the earth and give it back as rain। इसका क्या मीनिंग हुआ आप देखिए, यू नो रेन कैसे आती है, सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड अगेन गिव इट बैक एज रेन। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने कहा सर जितने लोग हैं हम इनसे महसूल कलेक्ट करेंगे। लगान मूवी में ये वर्ड सुना होगा तुमने, हम इनसे क्या कलेक्ट करेंगे, महसूल कलेक्ट करेंगे और इससे चलाएंगे देश। उन्होंने बोला अच्छा लोगों से पैसे लेंगे और उनके लिए देश चलाएंगे, कैसे, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों से पैसे लो और उन्हीं के लिए यूज करो, बहुत अच्छा, मेरा कुछ नहीं लगना। नहीं नहीं सर आपका कुछ नहीं लगना, लोगों से लेंगे और उन्हीं के लिए यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, यूज काय काय के लिए करेंगे? सुनिए,
हम लोग रोड, डैम, ब्रिज, कैनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें बनाने के लिए यूज करेंगे। आप सोचिए, बचपन से लेकर आज तक के तुमने कभी रोड यूज किया? तुमने रोड यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वाटर यूज की, तुमने इसके लिए क्या पे किया? कभी तुमने देश, तुम्हारे को कभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाई और बहनों आप जो सड़क यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको टैक्स देना होगा? क्या कभी किसी ने कहा, मुझे 5 मिनट के लिए पीएम बनाइए, ऐसा रोड बनाऊंगा, यहां से रोड डाले, वहां से निकला? कभी ऐसा हुआ कि तुमको उधर ईस्ट से आवाज आई हो, ए नो चल बे, ए चल बे ना, तुमने रोड यूज किया, टैक्स दो? ऐसा कभी हुआ नहीं। आप देखिए कि आप ये सारी चीजें यूज करते आए हैं विदाउट पेइंग फॉर इट, तो ये पे कहां से होता है? ये पे होता है टैक्स पेयर्स मनी से। आर्मी का सैलरी जो जाता है, पुलिस वालों का सैलरी जो जाता है, या अलग अलग लोगों का जो पेमेंट जाता है, ये जाता है टैक्स पेयर्स मनी से। और इसी के लिए लोग इस बारे में ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि मुझे कितना टैक्स देना होगा, एंड व्हेन वी कॉल इट एज अ पब्लिक सर्वेंट, क्यों? बिकॉज पब्लिक गिव इट द टैक्स एंड इट इज यूटिलाइज फॉर एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी, यस और नो? सो अगेन, आप इस वर्ड को देखेंगे, जब टैक्स लगाने के लिए यूज किया गया था, आप इस वर्ड को अगर देख सकते हैं, जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, हम उसी तरह से कलेक्ट करेंगे और अगेन इसे लोगों के लिए यूज करेंगे। इसलिए आपने कई बार पब्लिक डिबेट में भी देखा होगा कि भैया टैक्स पेयर्स मनी इज बीन मिसयूटिलाइज फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स मनी जो पूरा का पूरा चलाता है। एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं, कितनी जनता होगी यार भारत में? अराउंड 130-135 करोड़ कुछ पकड़ के चले, राइट? अगर हर मिनट के हिसाब से कुछ 60 भी बढ़ रहे हैं तो समझ लेना अकॉर्डिंगली उतने। 135 करोड़ में से आपको क्या लगता है कितने लोग टैक्स पे कर रहे होंगे? सर, रफली 6-7 करोड़ ओनली। इनकम सब कमा रहे, टैक्स सिर्फ 6-7 करोड़ लोग पे कर रहे हैं, जिसका कलेक्शन इतना बड़ा है कि ये पूरा देश चला रहा है। तो सोचो, अगर सबके सब टैक्स पे करना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा इस देश का? पर नहीं, अगर वो पे कर देंगे तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें उन्हें क्या करना है? तुम्हें टैक्स देना है या नहीं देना है? तुम्हें क्लाइंट से टैक्स दिलवाना है या नहीं दिलवाना है? नहीं दिलो, फिर गलत बात कर दो। दिलवाना है सर, कम दिलवाना है। कैसे बोलोगे? कम मिलवाना है, ये तुम्हारा काम है ना? अच्छा जी, अब आप ये पूछेंगे, सर लेकिन ये तो वो कर, ये टैक्स वर्ड कहां से आया? पूछो ना, अरे पूछो ना, ये टैक्स वर्ड कहां से आया? पूछो कहां से आया? सर टैक्स वर्ड आया लैटिन से। लैटिन के लोगों को दो ही काम था, दूसरा था वर्ड बनाना। पहला तो बाय डिफॉल्ट है ना। सो टैक्स अराइजेस फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो। टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो, व्हिच मींस रेट ऑफ टैक्स, व्हिच मींस रेट ऑफ टैक्स। टैक्स एक रेट से लगता है और इसे लैटिन भाषा में टैक्सो कहा गया, व्हिच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टैक्स हो गया। सो कहां से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ कर, कर से इसे पहली बार राजाओं के सामने लाया गया, वहां से फर्स्ट टाइम लैटिन में एक वर्ड निकाला कर को, इंग्लिश वर्ड निकला टैक्सो, जो अल्टीमेटली आज टैक्स के नाम से जाना जा रहा है। आज हमें 4 वर्ड पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर हम पहले ये तो देखें आया कहां से है। ये आया यहां से, ठीक है सर, ये तो पता चल गया कि आखिर ये वर्ड निकाला किसने है, पर वो था कौन जिसने इसको सिलेबस में लाया, जिसने इसको एक्ट बनाया, वो व्यक्ति कौन था? बस मिल जाए, मैं भी ढूंढ रहा हूं, पर कोई तो होगा जिसने लाया। यस, 1860 वॉज द ईयर जब पहली बार सर जेम्स विल्सन, बोलो कौन? यस, सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इसको लेकर के आया इंडिया के अंदर में। 1860 वॉज द ईयर जब पहली बार इंडिया ने प्रैक्टिकली एक एक्ट को देखा, वो था इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, और जब पहली बार वो लेके आए, कई नाक नुकुर हुई कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और फर्स्ट टाइम इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में पास किया गया इन द ईयर 1922। तो अगर अपन कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो क्या 1961 में आया? आंसर इज नो, इसके पहले 1922 में
टोटल कंप्लीट एक्ट बना. सो 1922 वाज़ द फर्स्ट ईयर जब इंडिया ने टैक्स की शक्ल देखी, और उसके पहले कोई प्रॉपर एक्ट नहीं हुआ करता था, बस ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया जाता था. प्रॉपर एक्ट बना इनकम टैक्स एक्ट 1922. पर सर अभी तो हम 1961 पढ़ रहे हैं ना, तो 1922 से 61 तक क्या हुआ मुझे वो भी जानना है. मैंने बोला ओके आगे सुन. 1947 में मिली हमें आजादी, बराबर है, और इसके बाद 1961 में इस एक्ट को चेंज किया गया और बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब आप ये पूछेंगे कि जब एक्ट ऑलरेडी था तो एक और की क्या जरूरत है. नहीं मतलब जनरल ये होता है ना, जब आपके पास एक हो तो दूसरे की जरूरत नहीं होती. हाँ, तो दूसरा सवाल, जब हमारे पास एक एक्ट था 1922 में, तो 1961 में फिर से एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, पूछो ना क्यों. बेटा वो इसलिए क्योंकि 1922 में जो एक्ट लिखा था उसमें हर जगह वर्ड था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट. और अब जो एक्ट बन चुका था वो था इंडिपेंडेंट इंडिया का एक्ट, यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट तो था ही नहीं, इंडियन पार्लियामेंट था. इसलिए कई चीजों को ब्रिटिश पार्लियामेंट की जगह पे आपके वर्ड्स चेंज किए गए और नए डोमेस्टिक लॉ की जरूरत पड़ी जो 1961 में बना, बिकॉज उसके अंदर में टेक्निकल इश्यूज थे जो अब हटा दिए गए. सो वापस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हिस्ट्री, क्या ये वर्ड पहली बार देखा था इंडिया ने? नहीं, एशियन टाइम से था, राइट. चाणक्य ने फर्स्ट टाइम लाया था. कालिदास ने रघुवंश में भी बोला था कि टैक्स का कैसे, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन, ठीक उसी तरह लोगों से लिया जाएगा और लोगों को फैसिलिटी के तौर पर दिया जाएगा. टैक्स वर्ड कहां से आया मेरे भाई? लैटिन. हाँ, लैटिन क्या वर्ड है बेटा? टैक्सो, विच मीन्स रेट. अच्छा, इंडिया में इसे किसने लाया? जेम्स विल्सन. ईयर क्या था? 1860. हाँ, तो जेम्स विल्सन ने एक्ट लाया था, राइट. उनने सिर्फ टैक्स लाया था. पहली बार एक्ट कब बना? 1922. वापस से एक और एक्ट कब बना? 1961. एक मिनट, जब एक्ट ऑलरेडी था तो जरूरत क्यों थी? वर्ड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के. अच्छा एक मिनट, एक्ट आया 1961 में, रूल्स आया 1962 में. रूल्स कब आए? आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड रूल्स. ये वर्ड को याद रखिएगा, आज लेक्चर से पहले ये वर्ड हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड रूल्स. रजिस्टर रजिस्टर लाए हो? पेन भी लाए होंगे? बुक निकालो, लिखना चालू करो. सबसे पहले श्री ओम है रजिस्टर में नाम. बराबर, राइट डाउन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स. हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स आप ऐसा भी लिख सकते हो, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. पूरा नहीं लिखना है, जितने पॉइंट बोलूंगा उतने ही लिखना है. पॉइंट नंबर वन, टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. टैक्स अराइज, सीधा ये पॉइंट लिखना है. टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो, विच मींस रेट ऑफ टैक्स. Which means rate of tax. Point number two, income tax was introduced in India in the year 1860. In the year 1860 by British ruler James Wilson. By British ruler James Wilson, then point number three, earlier there was Income Tax Act 1922. Earlier
there was Income Tax Act 1922. Now, Income Tax Act 1961. Now, Income Tax Act 1961. And Income Tax Rules 1962. Done. So tax arise from Latin word taxo. 1922 में पहली बार आया, फिर 1961 में आया, आपको रीजन पता चल गया ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके मन में एक सवाल आता होगा. राइट, लुक एट द स्क्रीन. आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा. सवाल कईयों के मन में आता है, तो एक सवाल जरूर आता होगा कि सर पेपर पैटर्न क्या होता है हमारा, पेपर पैटर्न क्या होता है. नहीं तो कई बार बच्चे ना फाउंडेशन पास हुए, क्लास लगाना है, क्लास लगाना है, क्लास लगाना है, क्लास में चले गए, एंड में जाके पता चलता पेपर पैटर्न क्या है. इससे बेटर है आज पता चल लो पेपर पैटर्न क्या है. सर आपको पता होगा दिस इज द फोर्थ पेपर इन योर ग्रुप. यस और यस? अरे हाँ या हाँ, ये आपका फोर्थ पेपर होने वाला है. राइट, आपको पता होगा डीटी और जीएसटी के लिए सेपरेट पेपर मिलता है. मतलब ये सब्जेक्ट एक है, डीटी जीएसटी. DT is for 60 mark, whereas GST is for 40 marks, right? तो DT portion बड़ा है 60 mark के लिए और ये 40 mark के लिए. इसके answer sheet अलग अलग मिलती है. DT अलग paper में solve होता है, GST अलग paper के अंदर में solve किया जाता है. Yes or no? हालांकि question paper एक ही होता है. अगर मैं सिर्फ DT की बात करूं, क्योंकि GST के बारे में आपको विशाल सर बहुत अच्छे से बता देंगे, DT की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सिंपल है. आपको 7 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए. हाउ मेनी? 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं 60 मार्क के लिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये मैंडेटरी होगा, जो सीधे 10 मार्क्स के लिए आता है. बच्चे 7 क्वेश्चन टोटल थे, बच्चे जितने हैं उनमें से कोई भी 6 सॉल्व करने पड़ते हैं. सो टेक्निकली देखा जाए तो हर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए बनता है. अब ये 10 मार्क में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 4 मार्क का, 5 मार्क का, 5 मार्क के 2, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 8 मार्क का और 2 मार्क का एक एमसीक्यू डाल दिया, कैसे भी वर्क कर सकता है. बट ऑलमोस्ट आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बचे हुए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होगा ये ऑप्शनल होगा. राइट, तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न बनने वाला है. प्लीज राइट डाउन सेकेंड पॉइंट, पेपर पैटर्न. दिस इज द सेकेंड पॉइंट हिस्ट्री के बाद, पेपर पैटर्न. उसी में लिखिए डीटी एंड जीएसटी हैज टू बी सॉल्व सेपरेटली. डीटी एंड जीएसटी हैज टू बी सॉल्व सेपरेटली. उसी के अंदर एक और पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी and rest out of 6 question any 5 has to be solved. Out of 6 question any 5 has to be solved. Paper pattern clear ho gaya. DT kitne mark ko aa raha hai Malik? 60. और जीएसटी कितने को है? 40. तो जीएसटी का पूरा हर चीज विशाल सर बता देंगे आपको. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स. मतलब इनकम टैक्स जब लगाया जाता है इसका बेसिस क्या होता है. बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. राइट, कि डीटी जब लगाया जाता है इसका बेसिस क्या होता है. इसका बेसिस होता है बेटा प्रोग्रेसिव बेसिस. क्या बेसिस होता है, वापस बोलो, प्रोग्रेसिव बेसिस. अब आप ये पूछेंगे सर प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब क्या होता है. प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब होता है हायर द इनकम हायर द टैक्स. फिर से कहो एक बार, आपकी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी आपका उतना टैक्स बढ़ता जाएगा. लॉजिक बड़ा सिंपल था, अमीरों से लो गरीबों को दो, रॉबिनहुड पांडे. क्या था लॉजिक? अमीरों से लो गरीबों को दो. बहुत सिंपल लॉजिक था. इसीलिए आप जितनी ज्यादा इनकम कमाएंगे, अब जैसे आप सब रईस लोग, राइट, आप जितनी ज्यादा और इनकम कमाते जाएंगे मुझ जैसे गरीब के पास वो आती जाएगी. बराबर है? सो यू नो अमीर हुए कि नहीं हुए तुम? इफ यू कैन अफोर्ड मी, आप अमीर हुए. लॉजिक है कि नहीं है भाई? सो द पॉइंट इज
द पॉइंट इज जितनी ज्यादा आपकी इनकम उतना ज्यादा आपका टैक्स, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. द मोमेंट आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको ज्यादा टैक्स पे करना होगा, राइट. सो थर्ड पॉइंट लिखिए, द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया इज प्रोग्रेसिव बेसिस. किसी को स्पेलिंग इश्यू हो तो देख लेना. इज प्रोग्रेसिव बेसिस, ब्रैकेट में लिख देना एमसीक्यू, दैट इज, उसी के आगे कंटिन्यू कीजिए, दैट इज हायर द इनकम हायर द टैक्स. हायर द इनकम हायर द टैक्स. याद रखें, यहां तक आपको और मेरा एक सवाल चालू है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड रूल्स. हमें सब कितने वर्ड पढ़ने हैं, चार, इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो चलिए एक एक वर्ड को खोदना चालू करते हैं. अपन बताए बच्चे, अपन और डीप में जाएंगे और जीरो पे जाएंगे. ये एक्ट मतलब क्या होता है, देखिए चार वर्ड हमें पढ़ना है. चार वर्ड मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत. चार वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961. मैं जरा एवरेज बच्चों, मेरे को डीप में जाना पसंद है, पहले मैं इस वर्ड को खोदूंगा, एक्ट क्या होता है, आखिर यह एक्ट होता क्या है, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसी कई चीजें जो तुमने पढ़ी है लेकिन और डिटेल में शायद पढ़ने की जरूरत है. कुछ वर्ड्स है जो शायद तुमने पढ़े और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. जो सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूं, जिसको पूछे उसने ये जवाब देना. इट विल बी अ कैडबरी फाइव स्टार क्वेश्चन. कैडबरी फाइव स्टार क्वेश्चन, जिसने इसका जवाब दिया उसको एक चॉकलेट मिलेगा मेरे तरफ से, दैट टू फ्री. और ऐसा होता रहेगा लेक्चर में, मूवी टिकट वगैरह भी मिलती है, सिंगल मूवी टिकट मेरे तरफ से मिलेगी. कपल में तुमको जाना, उसके टिकट भी मैं भरूं. तो आपने जवाब दिया आपको मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती रहती है. इट्स जस्ट रिवॉर्ड फॉर योर नॉलेज, दैट्स इट, ठीक है. जिससे पूछू उसने सवाल का जवाब दे देना. आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको, बराबर है? यस बेटा, रीड इट. क्या है सेक्शन टू, सेक्शन वन. ट्राई, अच्छा डरने की कोई बात नहीं है, आराम से ट्राई करो. ओ माय गॉड, वो उधर ही रखो भैया. हाँ ये देखो आ गया, सेक्शन टू सबसेक्शन वन. जी मैम ट्राई करेंगे. सेक्शन टू सबसेक्शन वन क्लॉज टू. हाँ क्लॉज टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ट्राई कर. सेक्शन टू सबसेक्शन फर्स्ट क्लॉज सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब. ये भाई चॉकलेट जीतता है, जरा ध्यान से सुनना. फाउंडेशन 100 मार्क का लॉ मराठी में नहीं, कहावत है, ये जात काही नहीं बाबा माझा लग्न करा. 100 मार्क का लॉ पढ़ के आया, सेक्शन रीड करते नहीं आएगा तो क्या कोई मतलब है क्या? नहीं. आओ जरा डीप में चलते हैं, एज एन एवरेज स्टूडेंट अंडरस्टैंड करके देखते हैं हाउ सेक्शन इज टू बी लर्न. क्योंकि इनकम टैक्स इज यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्शन. सबसे पहली चीज जो होती है उसे हम कहते हैं सेक्शन. दूसरा जो भी आएगा इसे हम कहेंगे सब सेक्शन. क्या कहेंगे? तीसरा जो भी होगा इसे हम कहेंगे क्लॉज. और चौथा जो भी होगा इसे हम कहेंगे सब क्लॉज. क्लियर है मालिक? सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. नहीं ये तो ठीक है, ये तो समझ लिया सर, पर ये बताइए आखिर ये सेक्शन होता क्या है? ये भी तो जानने में इंटरेस्ट होगा ना, आखिर ये सेक्शन होता क्या है? अंडरस्टैंड, जब जब लॉ बना, इनकम टैक्स इज अ लॉ, राइट. तो जब लॉ बना तो प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूं, क्यों सेक्शन की जरूरत पड़ी. बॉस मैं 21 में अपना सीएसीएस कंप्लीट कर चुका था. 21 में सीएसीएस कंप्लीट कर लिए अपन भाई, एकदम चौड़ में, तेरा भाई सुपरमैन एकदम चौड़ में, कि भाई अपने को सब कुछ आता है. मैं गया इंटरव्यू देने के लिए वन ऑफ द बिग फोर. हर सीए स्टूडेंट का सपना होता है बिग फोर में जाने. मैं गया, ठीक है, वहां पे बंदे ने मुझे ऐसा एक्ट निकाला और एक्ट दे दिया, बोला सेक्शन 8 ढूंढ. एक मिनट, मैं प्रिपेयर होके गया इंटरव्यू के लिए, उसने मेरे हाथ में थमा दिया एक्ट, बोले सेक्शन 8 निकाल. क्या निकालो, आज तक एक्ट कभी पकड़ा ही नहीं.
मालूम नहीं किधर आने वाला, मैं खोला मैं इंडेक्स ढूंढने लग गया, मैं गवारपने की भी हद देखी मेरे, मैं इंडेक्स ढूंढने लग गया। मुझ बेवकूफ को यह पता ही नहीं था कि एक्ट में इंडेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। आप एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट में नहीं होती। एक्ट को किसी पब्लिशर ने अगर किया होगा तो उसने इंडेक्स दिया होगा, पर जो एक्ट होता है उसके अंदर में नहीं होती। भाई ने मेरे को एक्ट दे दिया, बोले निकल, क्या निकल, पता ही नहीं कुछ। समझिए, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था, 3 साल कॉमर्स में रहने के बाद जब मुझे नहीं पता चला कि कौन सी चीज को किधर ढूंढना है, एक कॉमन लेमैन जो मान लो साइंस से आया है, आर्ट से आया है, उसको अगर इनकम टैक्स में कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा। इस चीज के लिए किया गया सेक्शन। आपने अपने घर का अलमीरा देखा है, अलमीरा ज्वेलरी के लिए एक सेपरेट सेक्शन, शर्ट के लिए एक सेपरेट सेक्शन, पैंट्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन, अदर चीजों के लिए एक सेपरेट सेक्शन, राइट? व्हाट इज दैट डिविजन? तो एक्ट को जब डिवाइड किया गया तो इसे अलग अलग पार्ट में डाल दिया गया और इसे हम कहते हैं सेक्शन। क्या कहते हैं बेटा, बोलो? सो व्हाट इज अ सेक्शन? सेक्शन इज डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्या होता है बेटा? डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्या आपको पता है देर आर 298 सेक्शन इन इनकम टैक्स? कितने? 298. सर हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे? ना मुन्ना ना, इसमें से करीब सिर्फ 90 आपको इंटर में है और फाइनल में पूरे 298 है। मैं फिर से एक बार कह दूं, यहां आपको सिर्फ 90 है, यहां आपको सिर्फ 90 है। और पूरे 298 मतलब जो यहां पढ़ रहे हो वो वापस से फाइनल में है, 298 वहां है, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए 298 है, एक्चुअल में 758 सेक्शन है इनकम टैक्स में। पूछो कैसे? क्या हुआ? ये लोग है ना थोड़े से बेवकूफ किस्म के लोग थे। पूछो कैसे? सेक्शन 35 को इन्होंने नंबर में सिर्फ 35 काउंट किया, लेकिन इसके आगे 35, 35 डी, 35 सी, 35 सीसीसी, 35 सीसीडी, नंबर्स में ये सब काउंट नहीं हुए, नंबर में सिर्फ 35 काउंट हुआ। तो ऐसे जो इसके आगे के एबीसीडी फिर से पढ़नी है वो सब ये इसमें भूल गए। तो प्रिसाइजली देखे तो 758 सेक्शन है, अदरवाइज नंबर के हिसाब से सिर्फ 298 सेक्शन है। और ये सिर्फ सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम रूल्स, प्रोविजन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ सेक्शन, राइट? कितना अच्छा हो अगर मैं ये आज लिख लूं तो, मैं मेरी बुक में लिख रहा हूं। लिख लोगे, लिख लो, ये सब चीजें रोज रोज नहीं मिलने वाली। और आज जाना, अपने दोस्त को भी पूछना, बता बोलना ये सेक्शन को रीड कैसे करते, वो शायद ही बता पाएगा क्योंकि तुम्हारे लिए भी नया था। फिर उसको समझाना, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे और वो बोलेगा भाई रिस्पेक्ट। आज उससे ये भी पूछना इनकम टैक्स में सेक्शन कितने बता, बोला 200 300, उसको ना बस बराबर तुमसे ना हो पाएगा। देर आर 298 एंड ये दो बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। तो सेक्शन को लिखते कैसे हैं, सेक्शन होता क्या है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सेक्शन क्या है? डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब एक एक्ट को एक सिस्टमैटिक मैनर में डिवाइड करते हैं, जैसे अलमीरा, उसे हम कहते हैं सेक्शन। कितने सेक्शन है? 298, ये सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से, टेक्निकली 758 सेक्शन। अच्छा जी सर, सर अगर सेक्शन नहीं होता है तो फिर एक्ट क्या होता है? एक और सवाल मन में आना चाहिए, एक्ट क्या होता है? एनीबडी रफ आइडिया, एक्ट क्या होता है? कोई भी रफ आइडिया बिल्कुल चलेगा। हाँ, किसी ने कुछ तो बोला, हाँ जो पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ, बहुत बढ़िया। एक्ट
बिल्कुल, अगर कोई भी चीज हमें लीगल में लाना हो तो हम पार्लियामेंट के थ्रू जाते हैं और लेके आते हैं। ये दोनों भाइयों ने मेरे पार्लियामेंट की बात करी, बोलो हाँ या हाँ। ठीक है, मैं आपके सामने आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये दोनों व्यक्ति गलत बोल रहे, आई ऑब्जेक्ट ये गलत बोल रहे हैं माय लॉर्ड, और मैं प्रूव कर सकता हूं ये दोनों वकील गलत बोल रहे हैं। बोला था ना डरना मत, कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जरा समझ लेना। इधर कौन बैठा है? अरे ये कौन है? बहुत बढ़िया, तुमको भी समझ रहा है। अब सुनो, नाउ द पॉइंट इज, सर ये गलत बोल रहे हैं। पूछो ना कैसे भाइयों, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहा तो लॉ तो तब लाओगे ना जब पार्लियामेंट है, ऐसा इनने कहा। सुन रहे हो ना, ऐसा किनने कहा? इनने। पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहा तो क्या 12 महीने पार्लियामेंट सेशन में होता है? अरे हाँ या हाँ, आनी ना। पार्लियामेंट 12 महीने सेशन में होता है? पार्लियामेंट 12 महीने सेशन में नहीं होता तो फिर तब तो लॉ बनते ही नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रही है? अरे भाई ये कह रहे हैं भाई अदालत में कि पार्लियामेंट लॉ लेके आएगा, आई एक्सेप्ट, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट लेके आएगा, आई रिजेक्ट। क्योंकि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है माय लॉर्ड, और उस टाइम देश को कानून की जरूरत पड़ती है तो क्या करेंगे? तो कुछ तो होना चाहिए ना, क्या सिर्फ पार्लियामेंट लेके आता होगा? आंसर इज नो। पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है जब भी कई चीजें आती है, और आपको यह जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये बैच को, क्योंकि आप बहुत लकी है, थोड़ी देर बाद समझेगा आप क्यों लकी है, थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, क्योंकि ये सब आपके इसमें आया है। आप इतने लकी है कि नवंबर में ये सब आया है, जो नवंबर 20 वाले हैं उनमें एक्ट भी आया है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो भी कानून कैसे बदला जाता है वो भी आया है। सर पहले एक्ट समझते हैं, एक्ट क्या होता है? इन्होंने एक बात तो बिल्कुल सही कही, एन एनैक्टमेंट विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये वर्ड बिल्कुल गलत होगा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि आपको लगता है पार्लियामेंट में ऐसे लोग होंगे जो लॉ बना सकते हैं? वहां पे वीडियो देखे जाए, एक दूसरे के ऊपर चेयर फेंकी जाए, है ना, इनसेंसिबल है। लॉ वो बना सकते हैं आपको लगता है? नहीं। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए सर, लॉ जब भी बनता है ये पार्लियामेंट इसे पास करता है, ठीक है, पर एक और बात है जो आपको कानून की समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, कभी ये लाइन सुनी है आपने? यस। तो बात उन दिनों की थी जब ये, आपका नाम क्या बेटा? नताशा। हाँ नताशा गाड़ी लेके जा रही थी, मस्त, आपको तो पता है लड़कियां गाड़ी कैसे चलाती है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अचानक सामने सिग्नल आया तो उसने पैर नीचे उतारे, ब्रेक मारना था, अरे ब्रेक हाथ में थोड़े होते भाई, ये लड़कों के लिए रूल है, मेरी सिस्टर भी है तो मैं उसको भी ऐसे चला रहा, डोंट वरी। तो उसने ब्रेक उतारा, और आपको तो लड़कियों को जब रेड सिग्नल आ जाए तब तो जानबूझ के निकलना ही होता है, तो रूल है, बेसिक रूल है लड़कियों के लिए, सिग्नल का रूल होता है, मतलब यू नो रेड आया तो स्पीड में निकलना है, ऑरेंज आया तो कंफर्म निकलना है, ग्रीन में तो निकलना ही है। मैडम निकल गए, अच्छा अन्नत मामा मिले, मामा भाई लाल सिग्नल, नताशा ओ या हाँ तो क्या, आपको रुकना था उधर, चलो चालान भरना पड़ेगा, चलो ना पैसा, ना ना नो 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 प्लीज, मेरे को थोड़ी मालूम था ऐसा करते हैं, नहीं मालूम था मतलब, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं था ये। कैन जी से लाइक दैट, हाँ या ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते मैंने वो कानून नहीं पढ़ा तो मेरे को नहीं पता ये ऐसा होने वाला है, सो आई डोंट नो दिस लॉ, यू कैन नॉट सी दैट। ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स चोरी करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था कि इनकम टैक्स चोरी करने पे ये होता है। हेंस वन नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई एक्ट बन जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, गेटिंग इट और नॉट, सो प्लीज राइट डाउन। एक्ट,
एनी अनैक्टमेंट, वर्ड पे ध्यान देना, पास्ड बाय पार्लियामेंट। लेकिन अब हमें डीप में जाके ये भी समझना होगा कि पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो क्या होता है, क्या लॉ नहीं बनता? सो एनी एनैक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, सेकेंड पॉइंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। सेक्शन क्या होता है, एक्ट क्या होता है? कभी नोटिफिकेशन नाम की चीज सुनी है? नोटिफिकेशन, व्हाट इज नोटिफिकेशन एनीबॉडी? कुछ भी रफ आइडिया, मैं नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूं फर्स्ट डे है और आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट रफ आइडिया हो तो भी चलेगा। एंड प्लीज आप एक बात समझिए, आपको यहां पे बोलना पड़ेगा, अब आप थोड़े से डिफरेंट क्लास में हो, ठीक है? ये आपको अब तक के आधे घंटे में समझ में आ चुका होगा कि ये ना आम क्लास नहीं है ना आम आदमी तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है? तो तुमको थोड़ा सा स्पोकन होना पड़ेगा, कुछ भी अगर लगता है, सही हो गलत हो डजंट मैटर, प्लीज बोलो। व्हाट इज नोटिफिकेशन एनीबॉडी? इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन देना एक नोटिफिकेशन होता है। एनीबॉडी? जी बेटा, हाँ, ऐसी चीज जो एक्ट में नहीं हो वो लोगों तक पहुंचाना नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है? एनीबॉडी एल्स? जी बेटा, एक्ट में कुछ कमी है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू ला लिया जाता है, ठीक है? और इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस बहुत सही जा रहे हो। और कुछ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्ट में कुछ लिखा है और नोटिफिकेशन आया, क्या प्रिवेल करेगा, एक्ट या नोटिफिकेशन? एक्ट में लिखा है रिटर्न भरना है 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, नोटिफिकेशन आता है कि बॉस आप 5 अगस्त तक के भी भर सकते हैं, क्या प्रिवेल किया, एक्ट या नोटिफिकेशन? सो कैन आई से नोटिफिकेशन विल प्रिवेल ओवर एक्ट? लॉजिकल, सेंसिबल। बट व्हाट इज नोटिफिकेशन? सर नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, मे बी इन एक्ट, मे बी इन रूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी कोई नया एक्ट आता है लोगों तक के कैसे पहुंचाया जाता है, बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन आता था है, मुझे भी लिखना है, मुझे भी चाहिए, मिलेगा कहां? एक वेबसाइट है egadget.nic.in, पापा से कहता हूं, लिखोगे आप सब लिखोगे, सिर्फ शांति रखो, मैं सब लिखवाने वाला हूं, ठीक है? तुम इतना लिखोगे कि तुम्हारे 4 रजिस्टर भरने वाले, सुन लो। सो नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, इस वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। मतलब तुम्हें सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ना, तुम्हें नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं जो एग्जाम से 6 महीने पहले आएंगे। जिसका मतलब अगर आपका May 20 अटेम्प्ट होता तो October 19 तक के सारे अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल है, अगर आपका November 20 अटेम्प्ट है तो मे तक के सारे अमेंडमेंट्स या नोटिफिकेशन जो होंगे ये आपके काम के। मतलब आपको सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ना, तीसरी एक और चीज पढ़नी है, वो है नोटिफिकेशन। हेंस हम ये वर्ड इतना डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं। सर नोटिफिकेशन कहां मिलेंगे? egadget.nic.in, दो जगह आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, egadget.nic.in पे भी मिल सकते हैं, प्लस incometaxindia.gov.in, दोनों जगह पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। सर एक्ट और नोटिफिकेशन अगर दोनों भर गए तो कौन जीतेगा? नोटिफिकेशन। क्या जीतेगा बेटा? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जीतेगा। अच्छा जी सर, सो इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पे 4 चीजें आपको देखने को मिल रही है, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट और रूल्स, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम्स आर एप्लीकेबल, नोटिफिकेशन आर अवेलेबल एट www.egadget.nic.in, इफ नोटिफिकेशन इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू एक्ट द नोटिफिकेशन शैल प्रिवेल। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया राइट, कि जनरली रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई, लेकिन वो आगे बढ़ती ही है और इसी के लिए ये आ जाता है, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो प्रिवेल हो जाता है। नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? सीबीडीटी। कौन इशू करता है? अब आप ये पूछेंगे सीबीडीटी मतलब क्या है, ये आपको आ गया दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या था आपका? एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है। दूसरा सवाल क्या है आपका? सीबीडीटी क्या है?
पहले नोटिफिकेशन लिख लो, जाएंगे उस पर भी. सो व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट एंड रूल्स. कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट एंड रूल्स. पॉइंट नंबर टू, ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. पॉइंट नंबर थ्री, नोटिफिकेशन आर अवेलेबल एट egadget.nic.in. Fourth, if notification is in contravention to act, if notification is in contravention to act, the notification shall prevail. The notification shall prevail. And last, it is issued by CBDT. It is issued by CBDT. कितने लोगों को नई चीज पता चली कुछ? मां कसम नोटिफिकेशन नहीं मालूम था तुम लोग को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो कुछ तो नया मिला. अच्छा जी, तो सर हम लोग को चार वर्ड पढ़ने थे इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसमें से हमने पहला वर्ड खोदना चालू किया एक्ट. एक्ट के अंदर में क्या होता है? एक्ट के अंदर में सेक्शन होते हैं. एक्ट के अलावा क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है. लेकिन एक वर्ड आई एम श्योर आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, इट इज सर्क्यूलर. Have you heard about this word? Circular. Anybody? Circular नाम की चीज क्या होती है? कि भैया सर्क्यूलर आया, क्या आया एग्जैक्टली? सर्क्यूलर आया, क्या आया? नोटिस. पर नोटिस तो अभी आपने ये बोल दिया, नोटिफिकेशन. तो सर्क्यूलर क्या आया है? जी बेटे, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज सर्कुलेट की जाती है. हाँ भैया, स्कूल में सर्कुलर दिए जाते थे, पूरी क्लास को बांट दो, ऐसा टाइप्स. अच्छा, टीचर्स के लिए होता था. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा. ओके, और जी प्लान फॉर नोटिफिकेशन. अच्छा, नोटिफिकेशन इंक्लूड सर्कुलर. मॉडिफिकेशन, पर चेंज तो नोटिफिकेशन था ना. हाँ जी, किसने बोला? हाँ जी बेटा, नोटिस गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन इज सर्कुलर. अच्छा हाँ, कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करना. तो फिर नोटिफिकेशन क्या था बेटा? नोटिफिकेशन सर, नोटिफिकेशन सर्कुलर में इंक्लूड होता है. मतलब सर्कुलर, सर्कुलर के अंदर नोटिफिकेशन, ऐसे ना? नोट. अच्छा हाँ, नोटिफिकेशन के थ्रू सर्कुलर आता है. बहुत बढ़िया, मस्त. पता है इसे क्या बोलते हैं? BMW. बेसिक में मान दे. सुनो, सर्कुलर क्या होता है जानना चाहोगे? चाय पिलाओगे आप मुझे? चाय पिलाओगे अगर बता दूं तो? पिलाओगे ना?
चलो ध्यान से सुनो। तो सर्कुलर मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। सी, शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू? शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू? शो करो ना। हाँ चलो रुको, मजा आएगा, इधर देखना। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सारी महिलाएं पुरुष बाकी सब सब फोकस करना, ठीक है। मैं आपके सामने यहां पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूं और हर एक को अगले 5 मिनट आजादी है वो बोलने की जो वो इस चीज को देख के सोचेगा। अगले 5 मिनट आप पूरे फ्री हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को देख के। हाँ भाई ठीक है, आज आपने मौसम देखा? नहीं ना, नहीं मौसम मौसम पे फोकस मत करो। तो मैं स्पेशली बैक बेंचर्स जो होते हैं वो मेरा अलग प्यार होता है, उसका रीजन है मैं बैक बेंचर रहा हूं। और बैक बेंचर वालों की मतलब यू नो कांड होते हैं, स्टोरी नहीं होती। हाँ बैक बेंचर्स होते हैं, उनके कांड ही होते हैं। तो मैं बैक बेंचर से बोलूं, भाई क्या लग रहा है तेरे को, क्या दिख रहा है? और दिल की बात बोलना, ठीक है, ये क्या है? बकेट, बकेट, गुड। यस बेटा, क्या ये? टब, ओके टब, वेरी गुड। यस बेटा लास्ट में, हाँ क्या चीज? टिन या कैन? कैन, ओके सो दिस इज कैन। लड़के शायद सही जवाब दें। हाँ बहुत बढ़िया, ये जिस लड़के ने भी जवाब दिया ना पहले बाहर निकालो इसको, बिल्कुल मतलब ऐसे लोग होते हैं जो आस्था चैनल देखते हैं बड़े होके। हाल करते हो यार। हाँ यस बेटा, क्या दिख रहा है वो? विस्की। हाँ हाँ हाँ, बात की है भाई, चलो विस्की। हाँ भाई बोलो बेटा, क्या दिख रहा है आपको? लास्ट आप ही। हाँ क्या दिख रहा है आपको? जो दिल में है वो बोलना। कचरा है, डस्टबिन। साला मेरे को ड्राइंग में डी आया था, ये नहीं पता था इतना खराब ड्रॉ करूंगा यार। चलो बहुत बढ़िया, और कुछ? यस ये लास्ट में, यस भाई क्या दिख रहा है वो? बकेट दिख रहा है, और वो जो बीच में है फिर वो क्या है? बर्फ। हाँ बकेट में बर्फ, आए ठंडे पानी से नहाना है, विस्की की ग्लास में बर्फ है। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। और एक दो जन कोई भी बोल, हाँ जी देयर इज समथिंग इन अ ग्लास, इंटरप्रिटेशन बॉस। बकेट में पानी और बकेट में पानी और स्टोन। अब चलो ठीक है, ठीक है अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। देखिए पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, मेरा थोड़ा अलग है, ठीक है। आपने क्या किया, मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, आपने अपनी इच्छा, एक्सपीरियंस, मूड या अदर चीजों के हिसाब से इसे डिसाइड किया, ठीक है। अब इमेजिन, लॉ भी तो ऐसा ही होगा ना, किसी ने बनाया, यू नो किसी को जब लग रहा था 1961 में, उसने बना दिया, दीदी की आंखों पे पट्टी थी, वो पता है ना तराजू लेके वाली दीदी, दीदी की आंखों पे पट्टी थी, कोई लॉ बना गया, ऐसा कैसे चलेगा दीदी वाला टाइप्स। तो दीदी ने लॉ बना दिया, अब लॉ मेक यू नो लॉ बना के रख दिया, ये है लॉ। हर व्यक्ति ने इसे अपने हिसाब से इंटरप्रिट किया, किसी ने बोला इसमें विस्की है, किसी ने बोला बॉनविटा है, किसी ने बोला कचरा है, किसी ने पानी है, पानी में आइस है, सब अपने हिसाब से किया। अब इमेजिन करो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इनकम टैक्स का लॉ लिख दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुणे इसे बॉनविटा माने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली इसे विस्की माने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कोलकाता इसे बकेट माने विथ आइस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पौंडीचेरी इसे समथिंग इन द बकेट माने। एक ही लॉ पे अगर
इतने इंटरप्रिटेशन आ गए, आपको नहीं लगता लोगों का भरोसा उड़ जाएगा डिपार्टमेंट से? इमेजिन आपका पेट दुख रहा था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरा बहुत पेट दुख रहा है, मेरा बहुत पेट दुख रहा है। पहला डॉक्टर, कुछ नहीं आपको गैस हुआ है जाओ। दूसरे के पास आप सेकंड ओपिनियन लेने गए, सर बहुत जोर से पेट दुख रहा है, कुछ नहीं एसिडिटी है जाओ। तीसरे के पास गए, बहुत जोर से पेट दुख रहा है सर, ओहो तुम्हें तो वो गया जो नहीं होना था। अरे सुनो, गंदे मेरे को बिगाड़ रहे हो तुम लोग, सुनो। इमेजिन अगर हम सेम प्रॉब्लम लेके अलग अलग डॉक्टर के पास गए और अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन आया, आपको नहीं लगता लोगों का डॉक्टर पे से भरोसा उड़ जाएगा? हाँ या हाँ? ठीक उसी तरह अगर एक ही लॉ को लोग अलग अलग तरीके से पढ़े, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से निकालें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे से भरोसा उड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है एक ही लॉ को खुद ऑफिसर ही अलग अलग तरीके से इंटरप्रिट कर देते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? यहां का ऑफिसर कुछ और इंटरप्रिट कर रहा है, मुंबई का ऑफिसर कुछ और इंटरप्रिट कर रहा है, दिल्ली का ऑफिसर कुछ और इंटरप्रिट कर रहा है, कोलकाता का ऑफिसर कुछ और इंटरप्रिट कर रहा है। फर्क क्या पड़ेगा? टैक्स पेयर का भरोसा उड़ जाएगा डिपार्टमेंट के ऊपर से। इसीलिए क्या किया जाता है? सर्कुलर निकाला जाता है। इसी के लिए क्या किया जाता है बेटा? सर्कुलर निकाला जाता है। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट। व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट। सर्कुलर आता क्यों है? सर्कुलर के पीछे का लॉजिक क्या है? सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए निकलता है, एसएससी के लिए नहीं। हमारा ओपिनियन स्टिल कुछ और हो सकता है एज अ टैक्स पेयर, हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी आपकी मेरी और इनकी थिंकिंग एक नहीं हो सकती। हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं पर डिपार्टमेंट का ओपिनियन तो एक ही होना चाहिए। अरे हाँ या ना? बच्चे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मां के लिए तो सब एक ही होने चाहिए ना? अरे हाँ। तो ठीक उसी तरीके से डिपार्टमेंट क्या निकालता है बेटा? डिपार्टमेंट निकालता है सर्कुलर किसके क्लैरिटी के लिए? डिपार्टमेंट के क्लैरिटी के लिए कि उसके ऑफिसर जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया ये सब एक ही ओपिनियन ले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट वेदर इन एक्ट वेदर इन रूल्स। कौन निकालता है? सीबीडीटी। ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरे बच्चे को सिर्फ एक्ट पढ़ना है? सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं? सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ना है? सर्कुलर भी पढ़ना है। आपको झूठ कहा गया है, आपको सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है। दीज आर ऑल बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एक्ट, क्योंकि एक्ट ऐसे ही रीड होता है। समझ में आया? आज जाना अपने दोस्त को भी बताना, चल बता सर्कुलर क्या है। नहीं नहीं बता ना, तूने भी टैक्स पढ़ा ना, बता सर्कुलर क्या है। वो बता नहीं पाएगा। जब आप उसको वापस से दिल्ली मुंबई और ये डॉक्टर दिखाओगे तो उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, बोल भाई रिस्पेक्ट। समझ में आई बात? चलिए लिखिए, व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट इन एक्ट और रूल्स। क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट इन एक्ट और रूल्स। पॉइंट नंबर 2, इट इज इश्यूड बाय सीबीडीटी। आई ला, ये तो वही सवाल है ना जो अपना पेंडिंग चल रहा है। सीबीडीटी, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी नहीं बताया है, बस ये वर्ड है जो अपना पेंडिंग चल रहा है। तीसरा, इट इज बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी। मेरे लाल किस पे बाइंडिंग है? इनकम टैक्स अथॉरिटी पे। हम कुछ भी ओपिनियन ले सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे मैंडेशन है। इट इज बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी। ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। सर, सर मुझे भी सर्कुलर चाहिए, कहां मिलेगा? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। प्लीज राइट डाउन, सर्कुलर्स आर अवेलेबल
on the website, circular are available on the website incometaxindia.gov.in. incometaxindia.gov.in. सभी लोगों ने बेटा लिखा, हमें चार वर्ड पढ़ने थे. इनकम टैक्स एक्ट 1961. अभी हमसे पहले वर्ड पे चल रहा है एक्ट. एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ना होता है क्या, सर्कुलर भी पढ़ना होता है क्या. देख भाई, मेरा फंडा सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. क्या बोला बेटा? पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. बहुत सिंपल है, पढ़ो तो किसी भी चीज को डीप में पढ़ो. क्योंकि आई अंडरस्टैंड एज एन एवरेज पर्सन, पहली बार जिंदगी में टैक्स पढ़ रहे हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. जीरो से जाएंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए कोई प्रॉब्लम है, पर पढ़ो तो मजे से पढ़ो, मजा आना चाहिए. एक एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए, राइट. सो पहला वर्ड पढ़ा सेक्शन एक्ट नोटिफिकेशन सर्कुलर. अब वो समय आ गया जब मैं आपको बताऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स. एनीबॉडी, एक्ट एंड रूल्स के बीच में फर्क क्या है? यस, रूल्स जब पास हो जाता है तब वो एक्ट हो जाता है. जी हां मेरे भाई, ध्यान से बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग. रूल्स जब पास हो जाए तब वो एक्ट हो जाता है. बिल्स जब पास हो जाए तब एक्ट. सुना था? अरे याद है ना कुछ? बिल जब एक्ट पास हो जाए तो, पर ये भाई ने कहा रूल्स जब पास हो जाए तो वो एक्ट हो जाता है. यस, इधर कोई था? बहुत सही जवाब, एकदम करेक्ट जवाब. आप मेरे से चॉकलेट लेना कल. एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है. बिल्कुल सही बात. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, वेयर एज रूल कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. आई रिपीट, एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. जस्ट गिव एन एग्जांपल. एक्ट कहता है इनकम टैक्स रिटर्न भरना है. क्या कहता है बेटा एक्ट? इनकम टैक्स रिटर्न भरना है. रूल्स बताता है कब भरना है, कहां भरना है, कैसे भरना है, कौन से फॉर्म में भरना है, किस डेट तक भरना है, कौन सा असेसी किधर जाकर के भरेगा, ये सारी चीज कहां से आएगी, कहां को जाएगी, सारे पॉइंट कौन क्लियर करता है? रूल्स. सो क्या एक्ट और रूल्स दोनों अलग अलग पढ़े जा सकते हैं या साथ में पढ़ने होंगे? लॉजिकल है. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन. Hence, हमें एक्ट और रूल्स साथ में पढ़ने पड़ते हैं. पर अब भी हमारा एक सवाल बरकरार है कि अगर दोनों साथ में पढ़ने पड़ते हैं तो एक्ट 1961 में आया और रूल्स 1961, ऐसा क्यों? जब पढ़ना साथ में था तो अलग अलग लाने की क्या जरूरत थी? मन में सवाल उठना चाहिए कि अगर आज आप मुझे कह रहे हैं कि एक्ट और रूल्स दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा तो दोनों का ईयर अलग अलग क्यों? मन में आ रहा है ये सवाल? नहीं सर, आपने ला लिया. पर ये सवाल तो सही है कि नहीं है? आज आप कह रहे हैं एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एकदम बराबर बात है. लेकिन ये सवाल, एक सवाल का तो पहले जवाब मिल गया आपको. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? आज अपने दोस्त से ये जरूर पूछना, बता एक्ट और रूल्स के बीच में फर्क क्या है. और मजा किसके आएगी मालूम है? जो फाउंडेशन में तुमसे छोटा, अभी तुम सीनियर हो गए ना जरा, उसे लॉ पढ़ रहा ना तू, एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है वो बता नहीं पाएगा. आपने उसको बताना और वो मन के मन में, हाँ तभी ये साला इंटर में पहुंचा. अंदर की सच्चाई अपने को मालूम है रे. उसको तो लगना चाहिए ना अपन ऊपर क्यों है ना. हो एक्ट और रूल्स ये क्लियर है पहले. व्हाट इज एक्ट? एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है? एक्ट कंटेन वेयर एज रूल कंटेन. पर एक सवाल अभी भी बरकरार है, व्हाट व्हाई एक्ट इन 1961 एंड रूल 1960. ये एक सवाल जारी रखी है, प्लीज राइट डाउन. डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ.
Done? See yes or yes? यहां तक के ये पॉइंट क्लियर हो गया. दो सवाल बरकरार. सीबीडीटी मतलब क्या होता है और एक्ट 1961 और रूल्स 1962 क्यों. एक्ट और रूल्स का फर्क समझ गया, पर इसका ईयर का इशू है जो अपने को क्लियर करना पड़ेगा भाई, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं. सर आप लोगों को मैं एक और चीज बताता हूं, आप मुझे बताइएगा. ठीक है, एवरीबडी रेडी? ऊप्स. चिन्नया आहा वर्सेस रमैया, ये एक फेमस केस था जो फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है. बहुत सी आपने ये तो बहुत बढ़िया पढ़ा, चिन्नया वर्सेस रमैया. कोई प्लीज मेरे लिए ये पूरा पढ़े, क्योंकि एक्ट के आगे कई बार आपने ईयर देखा होगा. ये क्या सिग्निफाई करता है? आइए आपको समझाएं केस लॉ क्यों पढ़ना होता है. और कुछ सवाल, पहला सवाल आप लोगों से, मान लीजिए एक्ट में कुछ और लिखा है और कोई जजमेंट है जो एक्ट के बिल्कुल अपोजिट आता है, क्या फॉलो किया जाएगा, एक्ट या जजमेंट? हाउ मेनी पीपल से एक्ट? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक्ट फॉलो किया जाएगा. हाउ मेनी पीपल से जजमेंट फॉलो किया जाएगा? और जिनने हाथ नहीं उठाया उनके काम बिजी है. नहीं, मतलब हो सकता है ना कुछ लिख रहे हो, फिर अब बोलना है यहां पे आप. हमको अब तक समझ नहीं आया, मैं बहुत अलग किस्म का टीचर हूं. नाउ द पॉइंट इज, जल्दी बताओ. अच्छा जो एक्ट कह रहे थे, आइए जरा लड़ाई, कौन कह रहा था एक्ट? जी बेटा, एक्ट क्यों, केस लॉ क्यों नहीं? यस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इनके बिहाफ पे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. एक्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो एक्ट फॉलो होगा. केस लॉ वाला कौन था? केस लॉ वाला, केस लॉ वाला, अरे कोई तो होगा, हाथ उठा दो. जी बेटा, हाँ एक्ट में कोई तकलीफ थी, मेरे भाई के बिहाफ पे एक्ट में कोई तकलीफ थी तभी तो केस हुआ ना, नहीं तो केस ही क्यों होता. दो मिनट. हाँ हाँ जी, वकील चेंज. हाँ, एक्ट तो सभी के लिए होगा, केस कोई पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ है, पर एक्ट प्रिवेल करेगा ना, केस थोड़ी प्रिवेल करेगा. आंसर कंफर्म केस लॉ रहेगा. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ, अगर केस लॉ ही नहीं होता तो हम आज यहां डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? सो पॉइंट टू बी नोटेड. सो जजमेंट दे दें, केस लॉ जीतेगा. अग्रीड एवरीबडी, केस लॉ जीतेगा. अभी भी किसी को ऑब्जेक्ट है? पक्का नहीं है? सो क्लास के डिस्कशन में ये फाइनल हुआ है कि केस लॉ जीतेगा, एक्ट नहीं जीतेगा, करेक्ट? हाँ या हाँ? सर अंडरस्टैंड, ये गलत है. सुनिए, आपको लॉ कैसे पढ़ना है ये समझना होगा. अब इस लेवल से बहुत जरूरी है. पहले ये कैसे पढ़ते हैं, पहले मुझे ये समझाइए, किसने किस पे केस किया, रमैया ने चिन्नया पे या चिन्नया ने रमैया पे? सेंसिबली चिन्नया ने रमैया पे केस किया. इसके आगे ये क्या लिखा है, यहां से आपको ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक्ट नहीं आता, सिर्फ रूल्स नहीं आते, सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं आता, सिर्फ सर्कुलर नहीं आता, केस लॉ भी पढ़ना होता है. समझ में आया? कैसे पढ़ते हैं ये समझो. चिन्नया ने रमैया पे केस किया है, ये काम की चीज है जो तुम्हें कभी नहीं पढ़ाई गई. व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रूलिंग. क्या होता है इसका मीनिंग? इनकम टैक्स रूलिंग, कि ये इनकम टैक्स से रिलेटेड केस था, राइट? अगर ये कंपनी लॉ से होता तो सीएलटी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या अदर चीजें होती. ये इनकम टैक्स रूलिंग्स 2018, ये बताता है कि 2018 में डिसाइड किया हुआ केस था.
और 16 उसके आगे ये बताता है कि 2018 का ये 16 नंबर का केस था। आई अगेन रिपीट, केसेस बहुत सारे आते हैं, जो डिसीजन आते हैं 16 नंबर का डिसीजन था 2018 का। सो हाउ यू रीड इट, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब देखिए मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब तुम मान लो सीएमए ऑफिस के चेयर पे बैठे होगे, क्लाइंट सामने से आएगा और क्लाइंट पूछेगा ये पर्टिकुलर इशू है। आपने कई बार देखा होगा सीए के ऑफिस में बहुत सारी बुक्स होती है, ये बुक्स अलग अलग साल में जो केसेस हुए हैं उनकी होती है। वो सीए उठता है, कोई ना कोई बुक निकालता है। अब कैसे ढूंढे ये मैटर कहां है, ये मैटर ढूंढने के लिए उसे क्या करना होता है, 2018-16 इनकम टैक्स रूलिंग की एक बुक आती है, इनकम टैक्स रूलिंग की बुक निकालते हैं। आपको हर बार ये बुक परचेस करनी होगी हर साल की। ये बुक निकाली जाती है, इसको रेफर किया जाता है और आप उसके बाद लिखते हो चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये केस था। फिर आप जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जाते हो, आपको बताना होता है सर सिमिलर इशू वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, यू कैन रेफर, और इसलिए मेरे क्लाइंट का ये जो बात है ये होना चाहिए। तो आप जो जजमेंट्स देते हो, जो एओ के सामने बोलोगे कि ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये आप देते हो इन लाइंस को पढ़ के। सो टेक्निकली हम यहां से यहां रीड नहीं करते, हम यहां से यहां रीड करते इन रियल लाइफ। 2018 का 16 नंबर का केस इनकम टैक्स रूलिंग की बुक, और उसमें केस का नाम था चिन्नैया वर्सेस रमैया। दिस इज हाउ वी रीड इट। लगता क्यों है, ये समझ में आ गया, एओ के सामने दलील देने के लिए कि कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया था तो मेरे क्लाइंट के केस में आंसर ये आना चाहिए। समझ में आई बात। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता, सवाल वही था वापस, एक्ट प्रिवेल करता है कि रूल्स, इस एक्ट प्रिवेल करता है कि केस लॉ। इसके लिए आपको लॉ कैसे पढ़ते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रीड लॉ, हाउ टू रीड लॉ। सर लॉ जब भी रीड किया जाता है सबसे पहले आप एक्ट रीड करोगे। किसी भी चीज का अगर आपको मीनिंग ढूंढना है सबसे पहले कहां जाओगे, एक्ट। एक्ट में अगर उसका मीनिंग ना मिले तो आप उसको केस लॉ उठाओगे। अदरवाइज केस लॉ बहुत सारे हैं, हर केस लॉ नहीं देखा जाता, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले, फिर हाई कोर्ट के जजमेंट्स एंड फिर ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट। सर अगर एक्ट में भी नहीं मिला, इस पर कोई केस लॉ भी नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप कस्टम फॉलो करोगे। कस्टम मतलब जो कई सालों से चलता आ रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल रीड दिस वर्ड लाउडली। कौन से एक्ट में लिखा है ये पढ़ना है, एबीसीडी एक्ट। अच्छा कौन सा केस लॉ बोलता है एक्स वर्सेस वाई, कोई एक्ट पढ़ा इसके लिए, कोई केस लॉ पढ़ा, सदियों से चलते आ रहा है, इसे कस्टम तरीके से हम ए ही पढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हम चैलेंज नहीं करते, कुछ चीजें एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कस्टम। सो कभी भी लॉ कैसे रीड करेंगे बोलो, सबसे पहले कहां जाएंगे, एक्ट। एक्ट में कुछ नाम मिले तो ही कहां जाएंगे, केस लॉ, और वहां पर भी कुछ नाम मिले हम क्या फॉलो करेंगे, कस्टम। प्लीज राइट डाउन हाउ टू रीड एक्ट। Find in the act, then judicial pronouncement, then custom. ये समझ में आया बेटा, तो अब मैं मेरे बच्चे से फिर से पूछता हूं, बेटा तुझे सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, से यस क्या क्या पढ़ना है, सर क्या आप हमें डरा रहे हैं, नहीं जो है वो बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये बताता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के दूसरे ही पेज पे ये बात लिखी है सारी। समझ में ही बात, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी और अब से बिल्कुल, और ये सिर्फ टैक्स का बात है, डीटी का, जीएसटी का अलग विषय, ठीक है। नाउ सर एक्ट में क्या सिर्फ एक्ट होता है, आंसर इज नो, एक्ट में सिर्फ एक्ट नहीं होता है।
एक्ट में सबसे पहले होता है एक्ट, सारे सेक्शन। एक्ट कैसे डिवाइड होता है? सारे सेक्शन। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का एक और लॉजिक है। आपको याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मैं इंटरव्यू पे गया था, अपन बिल्कुल 21 CACR, 2 मिनट में मेरा बुखार उतर गया कि भाई उसने मेरे को सेक्शन ढूंढने बोला, सेक्शन नहीं मिला। ही आज में डिफ सेकेंड क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, शेड्यूल 3 निकालो। आई वॉज लाइक क्या, हाँ एक्ट नहीं समझ रहा, शेड्यूल कहां से निकालो? बोले ये पूरा बुक, ये पूरा केबिन ओपन है, आपको जहां से निकालना है निकाल लो। मैं उठा ढूंढने लगा बुक का, किसी का नाम है क्या शेड्यूल? नहीं पता था यार, नहीं अवेयरनेस था। पहले समझे तो सर शेड्यूल होता क्या है, तब तो आगे बढ़े कि शेड्यूल क्या रहता। एनीबडी शेड्यूल? शेड्यूल क्या होता है? अंडरस्टैंड सर, शेड्यूल क्या होता है? जनरली हर फॉर्मेट्स शेड्यूल में दिए जाते हैं। सर शेड्यूल कहां होता है? एक्ट के बिल्कुल पीछे। ये बाद में मुझे समझा कि जहां एक्ट खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसी 298 सेक्शन खत्म होंगे वैसे चालू होगा शेड्यूल। याद होगा तो आप अपना पीएनएल एंड बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं। ओ याद आया, जो आप अपना कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी अकाउंट बनाते हैं ये शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएनएल अडॉप्ट करते हैं। शेड्यूल क्या करता है? फॉर्मेट्स रखता है कई डिटेल्स देने के। तो एक्ट के बिल्कुल पीछे क्या होता है? शेड्यूल। और शेड्यूल के पीछे होता है अनेक्स्चर। मतलब जब आप कोई एक्ट उठाएंगे, सपोज ये एक्ट है, एक्ट उठाएंगे सबसे पहले पूरे सेक्शंस होंगे, सेक्शंस के बाद शेड्यूल दिया होगा, और शेड्यूल के पीछे क्या होगा? अनेक्स्चर। तब जाके एक बुक बनती है एक्ट। सर ये अनेक्स्चर क्या होता है, मुझे भी जानना है। अनेक्स्चर क्या होता है? कई बार एक्ट में शॉर्टकट यूज किए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI, बट इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है। उसको अनेक्स्चर में क्लियर कट लिखा होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा। तो अनेक्स्चर आपको डिटेल देता है, अनेक्स्चर। अच्छा दूसरा, अनेक्स्चर में एक और चीज होती है फीस। ये बड़े काम की चीज है। हाउ सीए डिसाइड किस काम के लिए कितना फीस लेना है, आपको समझना जरूरी है। ये कैसे डिसाइड होता है किस काम के लिए कितना फीस लेना है? सर मैं आपको बताऊं कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आता है ना हमारे पास, तो बताता है काम क्या है। हर सीए बुक ओपन करता, बताओ एक्ट में जाए, शेड्यूल में जाए, अनेक्स्चर में जाए? अनेक्स्चर। अनेक्स्चर में जाके वो एक चीज ओपन करता, टेबल ऑफ फीस। टेबल ऑफ फीस में लिखा होता है किस चीज के लिए सरकार को कितना पेमेंट देना है, वो डिसाइड करता। प्लस ऊपर जो उसको मार्जिन लगाना है, शक्ल देख के चंदन लगाना है, उत्तर अमाउंट को कोट कर देता। दैट्स हाउ अ सीए डिसाइड द फीस। उसके लिए आपको अनेक्स्चर जानना जरूरी था, और उसके लिए ये लेक्चर में आना जरूरी था। वापस एक बार, क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है? सबसे पहले क्या होंगे? इसके पीछे क्या लगे होंगे? उसके पीछे क्या होंगे? तब जाके एक पूरा एक्ट बनेगा। समझ में आई बात? तो बेटा एक्ट जब पढ़ते रहोगे, शेड्यूल और अनेक्स्चर भी ध्यान रखना, रूल्स भी ध्यान रखना, नोटिफिकेशन भी ध्यान रखना, सर्कुलर भी ध्यान रखना, केस लॉ भी ध्यान में रखना। समझ में आया क्या रखना है? सो सबसे पहले सेक्शंस। सेक्शंस के पीछे क्या होता है बेटा? शेड्यूल। और शेड्यूल के पीछे क्या होता है बेटा? अनेक्स्चर। क्लियर है मालिक? लिख दो। सो कंटेंट ऑफ एक्ट, फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इन वेरियस सेक्शंस, देन शेड्यूल, देन अनेक्स्चर। भाई साहब चार चीजें हमें पढ़नी थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको बता दूं हम सिर्फ एक वर्ड पे है, एक्ट। एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, एक्ट में सिर्फ एक्ट पढ़ना है क्या? नहीं, इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, फिर उसका डिटेल क्या है। आप एक बात तो समझ सकते होंगे कि डेप्थ क्या चल रही है,
समझ में आ रही बात? अगर हम कोई वर्ड पकड़ रहे हैं तो उसे एंड तक खोद दे रहे हैं कि आया कहां से, क्यों है, कैसा है, इस पे क्यों आया होगा, सब सारी चीजें। एक्ट है तो उसको पढ़ना कैसे है, अगर एक्ट में केस लॉ आया तो कौन पहले भिड़ेगा, कौन बाद में आएगा, ये सब इसलिए जानना जरूरी है। पहले दिन चाहता तो मैं भी आपको आकर के बता सकता था असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, पर बिलीव मी इससे आपको मजा नहीं आता। अब जो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना जीरो से, ये अलग इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे के आने वाले हर एक वर्ड के बारे में पता होगा कि इसके पीछे का बेस क्या है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और तब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। सर, इंडिया में लॉ कैसे बनता है? मैं आपको थोड़ी देर पहले याद आ रहा हूं तो हम बात चल रही थी मेरे भाई और वो भाई के साथ कि एक्ट कहां बनता है, एक्ट कहां पास होता है, पार्लियामेंट। और मैंने एक सवाल पूछा था कि पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो तो बोल लो क्या करेंगे, हवन करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, पहली बात तो ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि 2019 में ये आप लोग के साथ हुआ है जिसके कारण आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। If you don't know, आप लोग बहुत लकी लोग हो, लकी इस टर्म्स में कि कुछ नई चीजें हैं जो इंटर में ऐड हुई है, और इस बार तीन बार इनकम टैक्स चेंज हुआ 2019 में, इसलिए आपको यह प्रोसेस जाननी बहुत जरूरी है। सो आर यू विथ मी? जानना चाहोगे? ठीक है, और आज मैं आप सबको चैलेंज देता हूं, आपका रजिस्टर चेक कर लेना, आपका दोस्त ने भी कहीं तो कुछ तो टैक्स पड़ा होगा, उसका भी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट समझिए, लॉ कैसे बनता है। देखिए सर, लॉ दो तरीके से बन सकता है भारत में। पहले पार्लियामेंट, ये वाला पॉइंट ना मेरे भाई, जिसके दिमाग में सेट हो गया ना उसके आगे सारी चीजें सेट हो जाएगी। तो प्लीज पेन वेन नीचे रख के अगले 10 मिनट बहुत शांति से सुनना है आपको, ठीक है? पेन वेन सब नीचे रख लो, ऐसा पीछे इधर उधर देख लो, थोड़ा आंखें ठंडी कर लो, आगे देखना फिर। नाउ एक्ट दो तरीके से इंडिया में बन सकता है, बोले कितने तरीके से? दो। पहला, पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बन सकता है, लेकिन एक पावर यहां पे एडिशनल दिया गया है प्रेसिडेंट को। सो पार्लियामेंट के हिसाब से तो लॉ बन ही सकता है, एक और तरीके से लॉ बन सकता है और वो है प्रेसिडेंट के थ्रू। इसीलिए प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर है इंडिया में, राइट? नाउ द पॉइंट इज, वापस एक बार, लॉ दो तरीके से बन सकता है, पार्लियामेंट के थ्रू और दूसरा प्रेसिडेंट के थ्रू। जरा समझिएगा, पहला, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को पास कर सकता है। अब आप ये पूछेंगे पार्लियामेंट को ये पावर आया कहां से? पूछो ना, कहां से आया? देखिए, ये सारे पावर या किसी भी तरीके का लॉ, ये आया है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज के पीछे का बेस होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमें हर तरीके का पावर देती है, और आप रिसेंटली देख सकते हैं सीए एनआरसी, इसमें सबसे ज्यादा बात कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है। सो हमें भी एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ टैक्स स्टूडेंट समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर लाया कहां से। आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल? 265। आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को कि वह इंडिया का लॉ बना सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन वेरी ब्रीफ। लॉ बनाने का पावर दिया गया है, जिसका मतलब लॉ पास करने का पावर है। दे डू नॉट ड्राफ्ट इट। ड्राफ्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ड्राफ्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ड्राफ्ट वो करती है, पास पार्लियामेंट करता है बाय 2/3 मेजॉरिटी। बराबर? अच्छा जी, पार्लियामेंट लॉ तब पास करता है जब इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए सेंट्रल और अदर पार्टी का। और इसी के ऊपर आप देखेंगे कई बार राज्यसभा के आपको फुटेज दिखाई जाती है कि यहां पे ये डिबेट चल रहा है, राइट? लेकिन ये तब हो सकता है जब पार्लियामेंट सेशंस में हो। पार्लियामेंट सेशंस में साल में दो बार आता है, एक होता है विंटर सेशन और एक होता है जनरल सेशन। ये दो बार आता है, पार्लियामेंट साल भर सेशंस में नहीं होता। तो जब पार्लियामेंट सेशंस में हो तब आपका आर्टिकल 265 के तहत आप कोई भी लॉ बना सकते हो। बट व्हाट अबाउट जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो? पार्लियामेंट सेशन में ना हो और देश में अगर कोई अर्जेंट कानून की जरूरत पड़े तो क्या ये कानून बन सकता है? आंसर इज अगेन यस। सर कैसे? आर्टिकल 123 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल
आर्टिकल 123 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने का, सीधे शब्दों में कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आने का। अभी एक नया वर्ड हमारी जिंदगी में आ गया, ऑर्डिनेंस। क्या वर्ड आया बेटा? ऑर्डिनेंस मतलब क्या? अगर कभी भी देश में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। ऑर्डिनेंस का इंपैक्ट क्या होता है? ये एज गुड एज एक्ट होता है। मतलब जब पार्लियामेंट सेशंस में ना हो तब आता है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस का जो पावर होता है ये एज गुड एज एक्ट होता है। ये ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए वैलिड होता है? ये ऑर्डिनेंस वैलिड होता है करीब 6 महीने के लिए, जब तक पार्लियामेंट फिर से सेशंस में ना आ जाए। जब तक पार्लियामेंट फिर से सेशन में ना आ जाए तब तक के लिए ऑर्डिनेंस आता है, और जैसी पार्लियामेंट सेशन में आए उसके बाद उसको अप्रूवल मिल जाता है। आप लकी हैं, इस साल ये दोनों हुआ। पार्लियामेंट ने तो लॉ पास किया ही किया 20 सितंबर 2019, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि भैया देश में स्लोडाउन चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके 20 सितंबर 2019 को ऑर्डिनेंस लेकर के आ गया। ये कई सालों बाद एक्ट में हुआ, और हाइट ये थी कि ये तो आपको पढ़ना ही था, आपके सिलेबस में ये भी आ गया। तो सर इसका इंपैक्ट क्या हुआ? नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपका सिलेबस और थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब अब आपको एक्ट नहीं, ऑर्डिनेंस के थ्रू भी जो चेंजेस आए। ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जब से आया 2014 के बाद 2019 में, उसके बाद एक प्रॉब्लम चल रहा था, इकोनॉमी स्लोडाउन पे जा रही थी, तो कुछ मेजर्स लिए गए। और इकोनॉमी जब स्लोडाउन पे जा रही हो तो टैक्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें करेक्शन करके इकोनॉमी को वापस से सही किया जा सकता है। तो इकोनॉमी स्लोडाउन के अगेंस्ट में एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, लेकिन उस टाइम पे सितंबर के अंदर में पार्लियामेंट सेशंस में नहीं था, और इसीलिए क्या किया, ऑर्डिनेंस लेकर के आए। ऑर्डिनेंस आया 20 सितंबर को, बड़े ध्यान से सुनना मेरे बाबू, ऑर्डिनेंस आया 20 सितंबर को, कितने तारीख को आया, बराबर है। सिंस मे अटेम्प्ट वाले जो थे, मे 20 अटेम्प्ट वाले, इनको अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, तो सितंबर में जो आया वो इनको एप्लीकेबल हो गया। पार्लियामेंट फिर से आई सेशंस में नवंबर एंड में, पार्लियामेंट फिर से आई सेशंस में नवंबर एंड में, और 2 दिसंबर 2019 मतलब अभी जब तुम तुम्हारा फाउंडेशन एग्जाम दे रहे थे तब, हाँ 2 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट फिर से सेशन में आई, और जो ऑर्डिनेंस में लिखा था वो पास हो गया। अब प्रॉब्लम समझना, ऑर्डिनेंस आया सितंबर में, अप्रूवल मिला दिसंबर में, जनरली दिसंबर वाली चीज थी, क्या आनी चाहिए थी? नहीं, ICAI said भले ही दिसंबर में आया है पर ऑर्डिनेंस तो 2019 में आ गया सितंबर में, तो दिसंबर में भी जो चेंजेस आए वो भी पढ़ने हैं। जो दिसंबर में चेंजेस आए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, और इसलिए बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, खुद इस बार के आरटीपी, आर यू अवेयर व्हाट इज आरटीपी, इस बार के आरटीपी में उन्होंने लिख के दिया, अब जो टैक्स चेंजेस हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर 1 टैक्स चेंजेस, ये आरटीपी से पढ़ना, मॉड्यूल से नहीं जो वेबसाइट पे दिया हुआ है। खुद इंस्टीट्यूट को भी अपना जो मॉड्यूल है वो चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द चेंज थ्रू ऑर्डिनेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैं पूरा वापस बता रहा हूं, कई मेरे ऐसे दोस्त हो सकते हैं उनका ध्यान था मेरा नहीं था, तो मैं अपने आप को फिर से समझा रहा हूं ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, मैं अपने आप को समझा रहा हूं फिर से एक बार। लॉ दो तरीके से बन सकता है, एक दूसरा, क्लियर है मालिक? पार्लियामेंट को पावर मिला है आर्टिकल 265, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 265 बोलता है पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकता है, लेकिन ये तो तब पॉसिबल है जब पार्लियामेंट कहां हो, सेशंस में हो। अगर पार्लियामेंट सेशंस में ना हो तो भी क्या कानून बन सकता है? हां, आर्टिकल 123। आज जाओ अपने सब दोस्तों से पूछना क्या उनको ये पता है, क्या नहीं पता होगा उनको समझाना, क्योंकि उनका भी भविष्य है। जब तुम उन्हें ये बात समझाओगे कि बॉस सितंबर में आया था लेकिन ये एप्लीकेबल है, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, भाई जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये कितने महीनों के लिए वैलिड होता है? 6 मंथ्स। वापस जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आया अप्रूवल हो गया,
तो ये कानून बन गया, रिजेक्ट हो गया तो मैटर खत्म हो गया, सीधी सीधी बात है। पास हो गया पार्लियामेंट में तो ये कानून बन गया, नहीं पास हुआ तो ये रिजेक्ट हो जाता है, हालांकि वो 6 महीने के लिए तो जरूर वैलिड होता है। गेटिंग इट और नॉट? हालांकि मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी के साथ बैठी थी बीजेपी, तो इसका रिजेक्ट होना तो पॉसिबल ही नहीं था। आई होप यू गॉट दिस। मेजॉरिटी के साथ बैठी थी बीजेपी विथ 300+ वोट्स, तो रिजेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए जो सितंबर में ऑर्डिनेंस आया उसको 100% वोटिंग मिल गई, अप्रूवल 2/3 के ऊपर, और वो ऑर्डिनेंस भी क्या बन गया, एक्ट। हेंस आप सभी के अटेंप्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 1, फाइनेंस एक्ट 2, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019 तीनों आ गए। समझ रहे हो कितने लकी हो तुम? सर एक बात पूछो, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? सीपीटी गया, फाउंडेशन आ गया, टैक्स में आया, पहले ही दिन आपने बम फोड़ दिया कि फाइनेंस एक्ट में ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है। टेंशन मत लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस मुझे आपको पहले यह समझाना तो पड़ेगा कि आज हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। सो एवरीबॉडी, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? लॉ कहां से बनता है? दो जगह से, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट को पावर कहां से मिला है? आर्टिकल 265। प्रेसिडेंट को कहां से मिला है? आर्टिकल 123। कितने महीनों के लिए वैलिड? 6 months के लिए वैलिड। पास हो गया तो एक्ट, नहीं पास हुआ तो कैंसल, पर 6 महीने के लिए तो वो वैलिड रहेगा ही रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? इसीलिए कानून के पीछे का बेस ये है। गेटिंग मेरे भाई? ये दो लिख दो। हमने 123 तो डिस्कस कर दिया, 265 डिटेल में डिस्कस करना है। आ जा मेरे भाई, प्लीज राइट डाउन। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, एक्ट कानून है, लॉ है, इनकम टैक्स भी। थ्रू पार्लियामेंट, आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो जब पार्लियामेंट सेशन में हो, पार्लियामेंट उस कानून को पास करता है। आपने देखो बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कैसे बनता है कानून। सबसे पहले बिल होता है, बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, याद आ रहा है क्या? राज्यसभा, लोकसभा, और फिर प्रेसिडेंट असेंट मिलता है तो कानून बनता है। यह बात आपने फाउंडेशन में पढ़ ली होगी, पर आई एम डैम श्योर ऑर्डिनेंस वाला पार्ट तुम पहली बार पढ़ रहे हो। और इसीलिए मैं कहता हूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्लियामेंट सेशन में हो, नहीं तो प्रेसिडेंट भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 123 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, एंड लेटर अप्रूवल इज टेकन व्हेन पार्लियामेंट कम्स इन सेशन। It is max valid for 6 months. डेप समझ रहे हो बेटा क्या है? एक सेकंड के लिए बस रिकॉल करके देखो तुम्हारा फाउंडेशन क्या था और इंटर क्या है। कितनी सुखी लाइफ थी, यू जस्ट नीडेड टू फाइंड एक्स। यहां पे साला
सुबह सुबह क्या सोच के आए थे? टैक्स पढ़ेंगे, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, है ना? वेलकम टू जंगल, टैक्स बहुत बड़ा है और मैं अब तक सिर्फ एक वर्ड पढ़ा रहा हूं, एक्ट, एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब तक सिर्फ एक्ट पढ़ रहे अपन। एक्ट कैसे बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। सो मेरे भाई, एक्ट दो तरह से बनता है। आर्टिकल 123 हमने पूरा कर लिया, अब डीप में आते, और डीप में आते हैं, आर्टिकल 265 कहां से आया? पूछो ना, कहां से आया ये दीदी? तो आपको पता ही होगी, दिस ब्यूटीफुल दीदी जिनकी आंखों पे पट्टी है। सवाल उठता है, देखिए, चलो छोड़ा यार पढ़ाई वढ़ाई, कुछ अच्छा बताता हूं। तो बात उन दिनों की है, बात किन दिनों की है? उन दिनों की, जब ये मेरा भाई, भाई तेरा नाम क्या है? राघव। हाँ, तो राघव घर में सो रहा था। सभी लोग बहुत फोकस करना, आ रही हो विद मी? ये कितने? फोकस। तो बात उन दिनों की है जब राघव सो रहा था। राघव क्या कर रहा था? सो रहा था। इतने में घर का बेल बजा, टिंग नॉन्ग। राघव अचानक से उठा, कपड़े पहना, आई मीन उसने कपड़े पहन रखे थे, अरे अचानक से उठा, एंड प्लीज ऐसा मैं किसी के ऊपर एग्जांपल ले लूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट? सो चिल, राघव अचानक से उठा, कपड़े पहना और तुरंत मार गया। बोले भाई क्या? अंदर से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके घर में रेट पड़ी है, बची होती है। अंदर चले गए राघव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट बेडरूम में। ओ शिट, पूरी चद्दर बिखरी पड़ी है। उनने चद्दर को हटाया, वहां पे 2000 की दो गड्डियां मिली। उनने उठाया बाजू रखा, अचानक उनकी नजर पर्दे की ओर गई, पर्दे के नीचे जूते दिख रहे थे। वहां पे दो गोल्ड के बिस्किट रखे हुए थे। बाथरूम से कुछ आवाज आ रही थी, टिप टिप टिप। वो बड़े और जैसे ही बाथरूम खोला, ये जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है ना, इसके वही लोग, तो वो होने नहीं वाला जो तुम चाह रहे हो, ठीक है? तू आने नहीं वाला है, तो ध्यान से सुनना। जैसे ही बाथरूम खोला, माय गॉड, वहां पे बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है, लेकिन वहां शावर के नीचे कुछ तो था। पर्दा हटाया, बाथ टब में कैश ही कैश पड़ा है। इनकम टैक्स चालू है बेटा, बायोलॉजी नहीं। तो मैं बता रहा हूं, तुम ऐसे नजर से मत देखो कि अब वो मिला, अब वो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। इनकम टैक्स चालू, यहां पे सिर्फ इनकम ही मिलने वाली है। नहीं, खुशबू आ रही थी बेड के नीचे से। बेड के नीचे देखो, ओ प्रॉपर्टी के पेपर थे। सारा असेट, धन, काला धन निकल गया। राघव, क्या है, क्या तुमने निकल के क्या साबित कर लिया, क्या है ये? क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके घर से ये सब मिला, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चलो 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 जल्दी, आपको जेल जाना पड़ेगा। राघव, एक मिनट, तेरे को मालूम है मैं कौन है? मालूम है कौन है? मेरे पापा कौन है? मालूम है तेरे को? सर आप कोई भी हो, आपके घर से ये सब मिला है, आपको जिला में। एक मिनट, तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे घर में घुसने का? किसने बोला ये काला धन है? किसने अधिकार दिया? क्या पागल हो तुम्हें? मेरे घर में घुस जाओ, मेरे बेडरूम में घुस जाओ, मेरे बाथरूम में घुस जाओ।
अधिकार आया कहां से तुम्हारे पास? अच्छा ये काला धन है ना, हाँ है काला धन, बोलो क्या कर लोगे? सपोज मैं राघव हूं और आप सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सपोज ठीक है, काला धन है, काय के लिए आयो? टैक्स के लिए आयो? आप काय के लिए आयो? काला धन है, मैं राघव हूं ठीक है, हाँ जी देवी जी काला धन है, क्या टैक्स वसूलेंगे आप मेरे से? क्या कर लेंगी? नहीं दूंगा, जेल जाना पड़ेगा। मैंने किसी को मर्डर किया? जेल डाल तो ओके, हाँ टैक्स वसूलेगा मेरे से? मेरे से टैक्स वसूलेगा? क्या कर, नहीं देना जेल। अरे मर्डर किया है क्या? क्रिमिनल एक्टिविटी है क्या? जाइए, जाके पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़िए, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है भाई। तो मेरे से टैक्स वसूलेगा? टैक्स वसूलेगा नहीं देगा? जो बनता है कर लो, नहीं देगा। क्या कर लोगे? नहीं कर क्या लोगे? नहीं देना मेरे को टैक्स, नहीं देना मेरे को टैक्स, आगे बोलो, नहीं देना ही नहीं मेरे को टैक्स, नहीं। क्या कर लोगे बोलो आप? तो मतलब क्या कर लोगे बोलो? क्या कर क्या लोगे तुम? मेरा क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? नहीं देगा मैं टैक्स, क्या कर लेगा तुम मेरा? जेल में जाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अरे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, इलीगल। ओ माय गॉड, इलीगल एक्टिविटी। अच्छा तुमको लीगल और इलीगल भी पता है? हाँ मस्त। आपको नहीं लगता पहले ये पता कर लें कि आखिर सरकार के पास पावर आया कहां से मेरे घर में घुसने का, रेड करने? रेड मूवी ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। पहले ये तो समझे कि ये पावर आता कहां से है कि आप किसी के घर में चल जाएं, ये पावर आता कहां से है कि आप किसी के एस्टेट में जाएं उसके बारे में इंक्वायरी करें, क्या पावर है कि कोई मुझसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है? जानने का अधिकार तो रखते होंगे ना भाई, क्योंकि कल जब तेरे क्लाइंट के घर पर रेड पड़ेगा ना, सबसे पहला फोन तेरे को आएगा, क्योंकि लोग भगवान के बाद में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को मानते। हाँ एक जो इनकम देता है और एक जो उनकी इनकम संभाल सकता है, तो लॉजिकल बात है। सर सवाल उठेगा कि कैसे, क्या पावर कहां से आया? तुम सबसे पहले जाके उससे चेक करोगे वारंट है क्या उसके पास आपके घर में जाने का, हाँ या हाँ? तो समझो ये पावर आया कहां से है, पहले टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आया ये समझना। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ आर्टिकल नंबर 265। क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 265। ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किसके पास पावर है? पार्लियामेंट का। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, हम इनकम टैक्स नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए मेरे साथ, सभी लोग वर्ड निकालिएगा, आवाज निकालिए। नो टैक्स, फिर से एक बार, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड। कुछ वर्ड जो काम किए, पहला टैक्स, दूसरा लेविड, तीसरा कलेक्टेड, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी, चौथा काम का वर्ड अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर से एक बार स्पीड में, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये वर्ड टोटली निगेटिव वर्ड है। ये वर्ड कैसे वर्ड है मेरे बच्चे? टोटली निगेटिव वर्ड है। एक एक बात को हम तोड़ते हैं और डीप में जाते हैं, और तोड़ और तोड़। पहला शब्द राइट, पहला शब्द लॉ, उल्टा चालू करते हैं। पहला शब्द लॉ, मान लीजिए कल चल के जैसे नोटबंदी हुई थी, कल चल के मोदी जी आते हैं रात 8 बजे, कहते हैं भाई और बहनों आज से देश में मोदी टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 1%। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो ऐसा कर सकते? क्यों, नोटबंदी तो कर दी उनने, उन्होंने नोटबंदी तो की ना, तो ये भी कर सकेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर को ये पावर है? आंसर इज नो, बिकॉज आर्टिकल 265 कहता है अगर आपको टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, पहली चीज चाहिए कानून। पहली क्या चीज चाहिए? कानून। कोई भी आकर के यू नो
अथॉरिटी, जब देखिए टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो सकता जब तक कि अथॉरिटी ना हो लॉ की. लॉ की अथॉरिटी का मतलब वहां पे कोई कानून होना चाहिए और उसको कलेक्ट करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. इसीलिए बिल के बेसिस पे कभी टैक्स नहीं कलेक्ट होता. बिल को पहले एक्ट बनाना पड़ता और फिर टैक्स कलेक्ट होता. जीएसटी डायरेक्ट कलेक्ट नहीं हुआ, पहले जीएसटी बिल को पास करके जीएसटी का कानून बनाना पड़ा और फिर कलेक्ट करना पड़ा. कल चल के अगर रात में आकर के मोदी जी और कोई भी, निर्मला सीतारमन जी भी कहती कि मैं नया टैक्स लगा रही हूं, ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा हुआ तो हर व्यक्ति जो भी उस पोजीशन पे जाएगा वो अपने हिसाब से देश को चलाएगा. और ये इसीलिए है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उन्होंने पावर किसी एक के हाथ में दिया ही नहीं. इसलिए भी उनका रिस्पेक्ट इतना है कि उन्होंने कभी भी पावर एक के हाथ में दिया ही नहीं, क्योंकि अगर एक के हाथ में पावर दे देते तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर लेता. उन्होंने बोल दिया कानून बनाओ. अब कानून पास कौन करेगा? कोई एक आदमी? आंसर इज नो. पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं सब लोगों को मेजोरिटी से वोट करना पड़ेगा तो कानून बनेगा. तो कल चल के अगर फाइनेंस मिनिस्टर आती है बोलती है मैं नया टैक्स लगा रही हूं, क्या वो ये लगा पाएगी? आंसर इज नो. क्यों? आर्टिकल 265 रिस्ट्रिक्ट करता है. दूसरा वर्ड लेविड. लेवी का मतलब क्या होता है? इंपोज करना, नया टैक्स लगाना. तीसरा वर्ड कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब क्या होता है? या तो ईमानदारी से कलेक्ट या तो रेड मार के कलेक्ट. कलेक्शन का मतलब होता है एनी कलेक्शन. सो कोई भी टैक्स ना लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है जब तक अथॉरिटी ना हो और लॉ ना हो. लॉ मतलब कानून होना जरूरी है, लेवी मतलब इंपोज करना, कलेक्ट मतलब उनसे रिकवरी करना. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड. जब हम बात कर रहे हैं टैक्स की तो हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार का टैक्स इंक्लूडिंग ड्यूटीज. किसी भी प्रकार का टैक्स इंक्लूडिंग ड्यूटीज. ना कोई टैक्स ना कोई ड्यूटीज लगाई जा सकती है जब तक के कोई लॉ परमिशन ना दे दे. सो टैक्स कैन नॉट बी इंपोज जस्ट बाय वर्ड्स लाइक पीएम मोदी ऑन नोट बैन. वी नीड एन एक्ट टू इंपोज द लॉ. समझ में आई बात? हमें कानून की जरूरत होती है और कोई भी जस्ट बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर ही कैन नॉट डू सो. समझ में आ रही बात? ओके सर. तो सबसे पहले प्लीज राइट डाउन इसी के नीचे, आपने लॉ मेकिंग प्रोसेस लिखी उसी के नीचे लिखिए आर्टिकल 265. आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. बराबर. कुछ वर्ड्स के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. टैक्स, लेवी, कलेक्शन. टैक्स, लेवी, कलेक्शन, अथॉरिटी और लॉ. लॉ के नीचे एरो करके लिखे देर शुड बी एन एक्ट. देर शुड बी एन एक्ट मतलब टैक्स लगाने के लिए कानून की जरूरत होती है, अथॉरिटी की नहीं. भले ही खुद निर्मला सीतारमन जी भी आ जाए उनको अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा पार्लियामेंट का. लेवी के ऊपर एरो करें, लिखें इंपोज लगाना, इंपोज करना. कलेक्शन के ऊपर एरो करें, लिखें कलेक्शन और रिकवरी. कलेक्शन और रिकवरी. ठीक है. अब सवाल उठता है एक इंपॉर्टेंट वर्ड का, अथॉरिटी. आखिर अथॉरिटी किसे बनाया गया? कानून पास करने के लिए. कानून पास करने के लिए अथॉरिटी जो थी वो आर्टिकल 245 में लिखी थी. हम आर्टिकल 265 से 245 में गए. बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अगले 15 मिनट बस ध्यान लगा लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए. आर्टिकल 265 ने अथॉरिटी बोली. अथॉरिटी मतलब कौन? ये आर्टिकल 245 में लिखा है. आर्टिकल 245 में गए उनने कहा अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट. लेकिन ये कब हो सकता था? जब पार्लियामेंट कहां हो? सेशंस में हो. मतलब दिस इज सब्जेक्ट टू 123. पार्लियामेंट जब सेशंस में हो. तो सब्जेक्ट टू
provision in the constitution, parliament will make law for the whole of India. Parliament कानून बनाएगा whole of India के लिए. लेकिन आपको तो पता है parliament कानून बनाएगा का मतलब क्या है, यहाँ पे pass करेगा, बनाने वाले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ठीक है, इसी के नीचे लिखे एरो करके आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट में मेक लॉ for whole of India. Is that done? So वापस से 265 ने बोला कोई अथॉरिटी चाहिए. अथॉरिटी कैसे सिलेक्ट किया गया? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट सेशंस में है, गुड. नहीं है 123 प्रेसिडेंट भी ला सकता है किसी भी कानून को. लेकिन पार्लियामेंट ने बोला क्या वो सब काम कर सकता है? नहीं. पार्लियामेंट ने भी यहां पे भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि उनने पार्लियामेंट का भी एक और पॉइंट निकाला कि हर चीज सेंटर के हाथ में नहीं रहनी चाहिए. अगर हर चीज सेंटर के हाथ में रह गई तो सेंटर उस तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से वो चाहता है. जबकि इंडिया इज अ डिविजन ऑफ स्टेट, यहां स्टेट को भी अधिकार देने जरूरी थे. हेंस एक और चीज आई, एक और चीज आई आर्टिकल 246 जिसने पावर डिवाइड कर दी है. कुछ पावर सिर्फ सेंटर को मिले, कुछ पावर स्टेट को मिले और कुछ पावर दोनों मिलकर डिसीजन वाले बने. क्या आपको पता है इनकम टैक्स जो आप देते हैं ये पार्ट बनता है सेंट्रल का. आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7. आपको ये सब इतना डिटेल में याद नहीं रखना, ये सिर्फ पहली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसीलिए थोड़ा चिल हो जाओ. ये आर्टिकल वार्टिकल याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है और क्यों. जो मैं टैक्स पे करता हूं वो सेंटर को जाता है या स्टेट को जाता है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है इसमें. ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट बनी यूनियन लिस्ट. ये वो लिस्ट थी जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. आई थिंक ये आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, आई गेस इकोनॉमिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दूसरा बना स्टेट लिस्ट जिसके अंदर वो काम दिए हैं जो स्टेट करेगा. और तीसरा बना कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब सेंटर और स्टेट को मिलके वर्क करना पड़ेगा. यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में एक काम लिखा गया, इनकम टैक्स अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. तो जो सवाल था कुछ देर पहले राघव का कि आपके पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आया, अब वो ऑफिसर खुल के बोलेगा एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट आर्टिकल 265. कृपया हमसे ये ना पूछे ये पावर आया कहां से, ये पावर आया एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट आर्टिकल नंबर 265 रीड विथ 245 एंड 246. समझ में आई बात? तो ये जो सवाल था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ड्रामा करके बताया कि किसी के घर में आ गया, ये ऐसा घुसने का पावर है क्या कहीं पे भी? हाँ है, इन्हें पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट 4 बार एमसीक्यू में आ चुका है साहब. एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट क्या लिखा है, आइए जरा डीप में जाके पढ़ते हैं. एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. क्या वर्ड लिखा है मेरे भाई? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. तो एक बात का जवाब मैं आज आपको और दे दूं कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं सेंटर को करते हैं, स्टेट को नहीं. किसको किया जाता है? सेंटर कलेक्ट द इनकम टैक्स. तो सर ये किसके जेब में जाता है? नरेंद्र मोदी साहब के? ना मुन्ना ना, इसका जवाब भी 2 मिनट में आने वाला है. पहले ये पॉइंट समझा आपको, 1 मिनट. यहां पे वर्ड क्या लिखा था? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. टैक्सेस ऑन इनकम, तो सर क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट नहीं होता? गलत. सेंटर के पास पावर नहीं है, ये पावर किसके पास है? स्टेट. स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर. हालांकि एग्रीकल्चर पे एज ऑफ नाउ टैक्स नहीं है, पावर है लगाया नहीं है. चाहे तो सेंटर लगा सकता है. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 3 स्टेट ऐसे रहे हैं जिनने एक समय पे एग्रीकल्चर पे भी टैक्स कलेक्ट किया है, पर एज ऑफ नाउ वोट बैंक के चक्कर में किसी के पास कलेक्शन का पावर नहीं है, कोई करता ही नहीं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई. Getting it? So please, उसी के नीचे एरो कीजिए जो आपने लिखा, वहां लिखिए
Article 246. Article 246, Schedule 7. Article 246, Schedule 7, Roman 7. Union List Entry Number 82. Union List Entry Number 82. Tax on Income Other Than on Agriculture. Tax on Income Other Than on Agriculture. Entry number 46 to the state list. Next point. Entry number 46 to state list. Taxes on agriculture. Third, concurrent list. लिख दीजिए जीएसटी. हालांकि इसमें कुछ चेंजेस है जो आपको विशाल सर बताएंगे. जीएसटी का पार्ट है. कितने लोगों को पहली बार समझा टैक्स देते किसको है? वेरी गुड. टैक्स किसको देते हैं बेटा? सेंटर या स्टेट? और बताइए राघव के घर पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर घुस के आ गया था, क्या उसके पास ये पावर है? कहां से आया? एंट्री नंबर 82. यूनियन या स्टेट? बहुत बढ़िया. ये पावर आया कहां से? आर्टिकल नंबर 265. आर्टिकल 265 ने बोला अथॉरिटी है. अथॉरिटी को डिवाइड किया गया है. कुछ अथॉरिटी सेंटर के पास, कुछ अथॉरिटी स्टेट के पास और कुछ दोनों के पास. अब आएगा तुमको समझ कि हम टैक्सेस जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं और कौन टैक्स कलेक्ट करता है. समझ में आई बात? इस तरीके से सुनिए, सेंटर ने, ध्यान से सुनिए, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को थे. से यस हा या हा? सेंटर में हर 5 साल बाद बॉडी चेंज हो जाती है. डू यू अग्री? कभी बीजेपी आएगा, कभी कांग्रेस आएगा, कभी आप आएगा, व्हाट एवर द पार्टीज, राइट? कोई तो कंफर्म बॉडी चाहिए थी जो सरकार कोई भी हो टैक्स सिमिलर कलेक्ट करे. इसीलिए सेंटर ने दो बॉडी बनाई. बॉडी का नाम बना सीबीडीटी और सीबीआईसी. सेंटर ने दो बॉडी बनाई, सीबीडीटी और सीबीआईसी. कुछ देर पहले हमारा ये सवाल था क्या? इसीलिए रुका था. पहले तुम्हें समझ में तो आए कि इनके पीछे काम क्या है, इनको किसने लाया. आर्टिकल 265 से जो ट्रेन चल रही थी वो यहां तक आई. सेंटर को हमने पावर दिया था एंट्री नंबर 82 से टैक्स कलेक्ट करने के. सेंटर ने क्या किया? दो टैक्सेस को अलग कर दिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स को क्या कर दिया? अलग. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. ये टैक्स एक है क्या? ये टैक्स एक है, अलग अलग है? इसीलिए अलग अलग टीचर भी पढ़ाते हैं. ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स थोड़ा बड़ा है. इनडायरेक्ट टैक्स छोटा है. 60-40. मैं ये कह रहा था, आप कुछ और तो नहीं समझे ना, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी नहीं तो. सुध्यान से सुनिएगा, दो चीज बनी, सीबीडीटी और सीबीआईसी. डायरेक्ट टैक्स का पूरा कलेक्शन सीबीडीटी के पास है. डायरेक्ट टैक्स का पूरा कलेक्शन किसके पास है? सीबीडीटी. सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. एक बोर्ड बना दिया. अब सरकार किसी की भी आए, ये बॉडी फिक्स बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए बना सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. समझ में आया? वापस से एक बार, वापस से इसको बस. अब तुम्हारे दिमाग में एकदम जबरदस्त एंटर किया होगा. सबसे पहले कानून कहां से बनता है? दो तरीके से. एवरीबडी फोकस. कानून कहां से बनता है? दो तरीके से. पार्लियामेंट. तुमको भी ये चार्ट दिखा? पार्लियामेंट रेसिडेंट. पार्लियामेंट जनरली लॉ बनाता है, लेकिन कब? सेशन में. सेशन में नहीं तो भी कानून बन सकता है. इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस. कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 6 मंथ के लिए. पास हो गया तो लॉ, नहीं हुआ तो खत्म. लेकिन 6 मंथ तो वैलिड था ही. पार्लियामेंट बना सकता है. पार्लियामेंट क्या कहता है? कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है, लेवी या कलेक्शन. क्या बोला? लेवी या कलेक्शन.
cannot be made except by authority of law. Authority किसको बनाए? Law मतलब क्या होना चाहिए? कानून, कोई act होना चाहिए. Authority किसको मिली? Parliament. Parliament ने बोला हमसे ना हो पाएगा. कुछ काम center, कुछ काम state और कुछ दोनों को. Center को जो मिला इसमें entry number, taxes on income, other than on agriculture. यहां से पावर बना. लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के लिए दो बॉडी अलग कर दी. सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, दो बॉडी अलग. डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन. क्लियर हो गया? सीबीडीटी का फुल फॉर्म मैं भूल गया और वो सीबीआईसी का इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. तो आज ये जो दो बॉडी है वो ऐसे ही है. हम क्या पढ़ रहे? एक वर्ड एक्ट. समझ में आया? लिखने की इच्छा है ना? अब लिखो आगे, उसी के नीचे एरो करो. एंट्रीज लिखी, उसी के नीचे अगेन एरो करो. लिखिए फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी हैज बीन फॉर्म्ड. फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी हैज बीन फॉर्म्ड For indirect taxes, CBIC has been formed. For indirect taxes, CBIC has been formed. आप नीचे चाहें तो फुल फॉर्म लिख दें. Central Board of Direct Taxes, Central Board of Indirect Taxes and Custom. Central Board of Direct Taxes. Central Board of Indirect Taxes and Custom. Central Board of Indirect Taxes and Custom. मजा आया? Deep. चल बेटा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो. तो कुछ पावर मिल गए सेंटर को, कुछ पावर मिल गए स्टेट को, और कुछ पावर दोनों ने ले लिए. ठीक है, सेंटर के पास पावर आ गया, स्टेट के पास पावर आ गया. वर्ड वापस से चलते हैं हम लोग. एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, एक्ट और केस दोनों बिठ गए तो क्या, एक्ट में क्या होता है, पहले एक्ट पढ़ना कि केस लॉ पढ़ना, उसके बाद समझा एक्ट में पावर कहां से आया टैक्स को लगाने का. कि राघव के घर में अगर कोई भी घुस गया तो राघव ये सवाल पूछ रहा है, क्या उसकी तरफ से कोई जवाब आएगा? क्या आएगा? कि भैया टैक्स कलेक्ट करने का पावर है. एंट्री नंबर 82. अब ये समझ गया कानून कैसे बनता है दो तरीके से. बढ़ते हैं बेटा आगे. चलिए एक और वर्ड हमें बड़ा खा रहा था. आर्टिकल 265 में जाओ जरा. आर्टिकल 265 में फिर से जाओ. वर्ड क्या लिखा था? नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अथॉरिटी समझ गया क्या है? अथॉरिटी वर्ड को तोड़ दिया. पार्लियामेंट. लॉ मतलब कानून होगा तो लगाएंगे. कानून कैसे भी बन सकता है, आर्टिकल 245 या 123. ठीक है, लेवी मतलब समझ गया, कलेक्शन मतलब समझ गया. एक ही वर्ड था जो क्लियर नहीं था, टैक्स. हम भी क्या वर्ड पढ़ रहे थे? चार. इनकम टैक्स एक्ट 1961. हमने एक्ट नाम की पूरी चीज खत्म कर दी. एक्ट क्या होता है, एक्ट के साथ क्या होता है, कब एक्ट पढ़ना, कब नोटिफिकेशन पढ़ना, सब खत्म. अब दूसरे वर्ड पे आ गए जो इसके साथ सिनोनिमस है, टैक्स. यहां से भी टैक्स वर्ड पढ़ना है और एक्ट से भी टैक्स वर्ड पढ़ना है. टैक्स मैं आपको बता दूं सर, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स को कौन सा बॉडी हैंडल करता है जरा बताओ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को? लॉजिक पीछे क्लियर हो गए? डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है बेटा? लॉजिकली डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स. पर्सनल टैक्स मतलब यू हैव टू बियर द लाइबिलिटी. यू हैव टू बियर द लाइबिलिटी. दिस कैन नॉट बी पास्ड ऑन. ये लाइबिलिटी आप किसी और को नहीं दे सकते. हेंस डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. इट विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गुड बिकॉज ये मेरे ऊपर है. तो प्राइस पे ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं क्रिएट करता. डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली चार प्रकार के थे. इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एक बहुत पहले हुआ करता था एस्टेट ड्यूटी. मैं फटाफट बस आपको बता देता हूं.
गिफ्ट टैक्स एबॉलिश हो चुका है इन द ईयर 1988. ये गिफ्ट टैक्स क्या था? इनकम टैक्स तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, इनकम टैक्स तो आज है, लेकिन गिफ्ट टैक्स पहले हुआ करता था, आपको ये जानना जरूरी है. गिफ्ट टैक्स हुआ करता था लेकिन 1988 में अबॉलिश हो गया. पूछो ना क्यों? इसलिए कि एक ऐसा एक्ट था जो गिफ्ट दे रहा है उस पर टैक्स लगता था. मतलब सोच लो, आपने अपनी बाबू सोना बच्चा गुड़िया को कोई गिफ्ट दिया नवरात्रि में, इसके ऊपर भी टैक्स लग जाता था. कतई घटिया जहर ये एक्ट हुआ करता था और सारे पॉलिटिशियंस ने मिलकर के इस एक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्या मिलता था बेटा? गिफ्ट. और ब्लैक टू व्हाइट करने का सबसे बेहतर तरीका ये एक्ट ही था. खुद अपना पैसा अगर ब्लैक में मिला, मैं इसके हाथ में देता था, बोलता था मुझे गिफ्ट कर. सर वो क्यों करता था? गिफ्ट जो लगता था टैक्स, वो 30,000 से ऊपर लगता था, तो 25,000 25,000 25,000 25,000, 30 को तो हमने टच ही नहीं किया. पूरा अमाउंट 1,00,000 का ब्लैक का व्हाइट एक के मिनट में. ना इनके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी, मेरा ब्लैक का व्हाइट. कई दिनों बाद सरकार को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं. मैंने आपको बोला ना, वर्ड नहीं बोलूंगा जो आप चाहते हैं. पर मैं खुश हूं ये देख के कि आपको ये वर्ड पता है. कई साल बाद सरकार को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं. लोग को समझ में आ गया. सरकार ने खुद होके 1988 में ये एक्ट हटा दिया. और अब क्या गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता? लगता है, पर वो इनकम टैक्स का पार्ट है. अब दूसरा था वेल्थ टैक्स, एक और कतई घटिया जहर एक्ट. जिसने भी ये एक्ट बनाया होगा ना, सस्ते नशे करके बनाया होगा. कंफर्म व्हाइटनर सूंघ के बनाया हो. पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? वो इसलिए, मतलब आदमी जीवन भर मेहनत करे, अपनी वेल्थ बनाए, और अगर आपकी वेल्थ बनी तो सरकार आपसे एक और टैक्स कलेक्ट करती थी, वेल्थ टैक्स. मतलब मैं उस पर इनकम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, फिर मैंने बनाई अपनी एक जमीन, ये जमीन की वैल्यू अगर एक्स के ऊपर जाती थी, विच वॉज 1 crore अर्लियर, तो इस पर मेरे को और टैक्स देना पड़ता था. टैक्स पेयर वॉज लाइक मस्त मस्त, पहले 1 crore कमाओ उस पर टैक्स दो, इनकम टैक्स. इस पैसे से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, लैंड खरीदी, अब तो मेरी वेल्थ बन गई. वेल्थ पे कौन टैक्स दो? इनकम टैक्स. इसका क्या मतलब होता है? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड. अरे मतलब मैं कौन? बेवकूफ ना, पहले इनकम कमाओ, उसपे क्या दो? इनकम टैक्स. पैसा बचाया, प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर क्या दो? वेल्थ टैक्स. मैं कौन? बेवकूफ ना. सरकार को समझ में आ गया कि ये और बेवकूफी है. सरकार ने ये भी चेंज कर दिया, वेल्थ टैक्स भी हटा दिया. तो अब सीबीडीटी के पास क्या काम बचा? सिर्फ इनकम टैक्स. लेकिन एक और चीज हुआ करती थी, एस्टेट ड्यूटी. ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. एस्टेट ड्यूटी क्या था? मरने पे टैक्स. सारा जीते जी तुमने इनकम टैक्स लिया, प्रॉपर्टी बनाया उस पर वेल्थ टैक्स लिया, मरना भी नसीब नहीं है, मरने पे टैक्स. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. अबे हुआ है, वी आर इन इंडिया, वी शुड बी प्राउड. पूछो ये कैसा टैक्स था? पूछो ना. मतलब मान लो मैंने इनकम, देखो क्या लॉजिक थे इंडिया के, जो समय पे बदले, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो है ना, बचपन से अपने को बोलते थे बस 10th पास हो जाए फिर तो सब अच्छा ही है. फिर हमारा क्या था? बस 12th पास हो जाए अच्छा ही है. सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले फिर तो मजे ही है. पहले लेक्चर में आके समझता, मां कसम इतना है. मैंने इनकम कमाई, इस पे बनाई वेल्थ. ध्यान से सुनना, इनकम पे क्या लगा?
अर्लियर की बात कर रहा हूं, वेल्थ बनाई, इस पे क्या लगा? सपोज मैं गया भगवान के पास, ठीक है, मेरे दो बच्चे, सपोज हाँ मेरे दो बच्चे, अब दो बच्चे एस्टेट के लिए आएंगे मेरे, एस्टेट ड्यूटी वॉज अ ड्यूटी, अगर मैं मर गया जिसे मेरी एस्टेट मिलने वाली है इनहेरिटेंस में, उस पर भी टैक्स लेते थे, कितना? 85%। मतलब मैंने 1 करोड़ कमाया उस पर इनकम टैक्स, सिंस मैं 1 करोड़ होल्ड कर रहा हूं मेरे दिमाग से उस पर वेल्थ टैक्स, मैं मर गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मातम गए एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक दो मिनट रुक, रोना बाद में, रुक रुक सुन, अरे बाद में रो रे सुन, एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, रोने वाला सुनना एक मिनट, वो तो गया ना, सुन इधर अब दोनों भाई भाई, कुछ मैं लूंगा कुछ तू लेगा, ऐसा क्यों? एस्टेट तो उनकी थी, हम उनके बच्चे, आप कौन? अरे पार्टनर समझ, सुन उमर गए ना, ये कानून है, इसको बोलते एस्टेट ड्यूटी, ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला, हमने व्यू में भी नहीं लिखा था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज ना, अरे पढ़ाया ना मैंने पहले, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज देयर इज एस्टेट ड्यूटी, आपने नहीं पढ़ा आपका प्रॉब्लम, सुनो इस कानून के हिसाब से जितनी एस्टेट आपको मिल रही है इसका 85% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, 25 आपका, 15 आपका, कितना इलॉजिकल टैक्स सिस्टम था हमारा देखो, पहले मैंने इनकम कमाई उस पर इनकम टैक्स, इस पैसे से बचा के वेल्थ टैक्स बनाया, इस पे वेल्थ टैक्स, मरने के बाद इनहेरिटेंस में जो जा रहा था उस पे एस्टेट ड्यूटी, मतलब मेरी समझो मेरी एस्टेट 100 करोड़ की, इसमें से 85 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, 25 करोड़ मेरे बच्चे का, सब 15 करोड़ सॉरी 15 करोड़ मेरे बच्चे का, सपोज उसको भी अगर कुछ हो जाए और उसके बच्चे को जाए तो 15 का 85 अगेन गवर्नमेंट का, मस्त क्या सस्ते नशे में कानून बनाए हैं, गवर्नमेंट को समझ में आ गया ये लोग तो हमें हाँ बेवकूफ बना रहे हैं, इसीलिए ये तीन चीजें बंद करी क्योंकि ये देश का विनाश कर रहे थे, और एक ही चीज रखी इनकम टैक्स, आया धन में कि दुकान में? आया धन में, तो डायरेक्ट टैक्स के कितने प्रकार थे? 4, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, लेकिन ये 3 क्यों बंद किए इसका लॉजिक समझा? क्योंकि ये तीनों हद सस्ते नशे में बनाए गए लॉ थे, और अब सीबीडीटी सिर्फ एक एक्ट हैंडल करती है, इनकम टैक्स। यू जस्ट राइट डाउन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में अब सिर्फ 2 है, जीएसटी एंड कस्टम, इसमें बर्डन शिफ्ट होता है, बर्डन क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि आप हर बिल के साथ देखते होंगे जीएसटी लगता है, तो जो गुड्स एंड सर्विस ले रहा है उसके साथ, इससे प्राइस इफेक्ट होता है, और 2014 में आया है। मेरा देश महान, सो डायरेक्ट टैक्सेस 4 प्रकार के हुआ करते थे, ये भी क्या हो गया बेटा? एबॉलिश। सो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एस्टेट ड्यूटी भी खत्म हो गया, अब सिर्फ क्या बचा है? इनकम टैक्स। हालांकि आपके नॉलेज में जरूर होना चाहिए कि ऐसे कुछ हुआ करता था, जब आपके बच्चे होंगे उन्हें बताना हमारा देश कितना महान था कि हम जीने और मरने दोनों पे टैक्स लेते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम बिल के साथ साथ दूसरों से कलेक्ट करते हैं,
और गवर्नमेंट को पे करते हैं। पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट, अलग अलग चीजें हुआ करती थी। 2017 में वन नेशन वन टैक्स ला करके जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो जीएसटी इज रिलेटिवली वेरी न्यू एंड इनकम टैक्स इज वेरी ओल्ड, हेंस जो ओल्ड है वो बड़ा होगा, जो न्यू है वो छोटा होगा। अब समझे विशाल सर थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? लॉजिक क्लियर है मालिक हर एक चीज का, ऐसा हुआ तो क्यों, वैसा हुआ तो क्या? और हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, एक बहुत जबरदस्त सवाल उठा। बाप बेटे दोनों में साथ में मर गए तो क्या? हो सकता है कार में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पर वो एक्ट ही चला गया बेटा। सो पॉइंट वन डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। पॉइंट टू, बट फिर भी इसका जवाब अभी ये है कि वो डिपेंड करता है अब क्या है वो। जैसे हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से फिर डिवीजन होगा, या अदर है तो फिर डिविजनल एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, उसके हिसाब से होगा, राइट। पर एस्टेट ड्यूटी में अब कुछ नहीं होता, वो ये तीनों एक्ट जा चुके हैं। ये सिर्फ आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स के कितने प्रकार हुआ करते थे, क्योंकि बताना मेरी जिम्मेदारी है, तुम पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। मेरा एक सवाल है, क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है? मतलब अगर कोई बोलता है कि मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं तो टैक्स में क्या सिर्फ टैक्स आता है? हां या ना? क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है? आंसर इज ना मुन्ना ना, टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं आता। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटीज। पहले और डीप में जाते हैं, आपने जिंदगी में दो वर्ड पढ़े हैं, पढ़ो तो हद कर दो, पहले समझे तो सही टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या है। कल चल के अगर किसी ने पूछ लिया मेरे बच्चे से कि टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या, और वो जवाब नहीं दे पाए, मेरी इज्जत का सवाल है भाई। आपको तो आज जाकर के वो फाउंडेशन वाले को बताना पड़ेगा ना टैक्स पढ़ के आया हूं। टैक्स और ड्यूटी, ये दो वर्ड हमने पढ़ा है, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, पहले हुआ करती थी एक्साइज ड्यूटी। टैक्स और ड्यूटी क्या अलग है? और अलग अलग नहीं है तो ये वर्ड अलग क्यों है? दया, हाँ तो सर बताइए, आप सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स, टैक्स और ड्यूटी क्या है दोनों में डिफरेंस? नहीं सर हमको कुछ नहीं मालूम, आज के लेक्चर में समझ आ गया। हम सोच के आए तुम फाउंडेशन बिल्कुल मेरे जैसे हो तुम लोग, मैं था ना सीए बनने के बाद ऐसा था, तुम फाउंडेशन क्लियर होने के बाद ऐसे हो। खैर हम सब लर्निंग प्रोसेस में है, दिस पार्ट एंड पार्सल, आज सीखेंगे तभी आगे जाके तो वर्क करेंगे ना। चलो कोई भी रफ आइडिया टैक्स और ड्यूटीज में फर्क क्या है? कुछ भी रफ आइडिया? नहीं, शुड आई टेल यू? सर टैक्सेस और ड्यूटीज ये दो वर्ड कैसे वर्क करते हैं ध्यान से सुनिएगा। ड्यूटीज इज ऑन गुड्स, जहां सब्जेक्ट मैटर गुड्स होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? गुड्स, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ड्यूटीज। जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स नहीं है, सिर्फ गुड्स नहीं है, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, क्योंकि हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर मेन क्या है? गुड्स। गुड्स के हिसाब से कस्टम ड्यूटी डिफर होती है, कौन सी वस्तु है उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी डिफर होती है। हेंस ड्यूटीज इज ऑन गुड्स, टैक्सेस इज ऑन अदर देन गुड्स। टैक्स को इंटरनेशनल टैक्स के शब्दों में एक और चीज कहा जाता है टैरिफ, टैरिफ नहीं टैरिफ, क्या कहा जाता है? सो टैक्स इन अदर वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि जब तुम फाइनल में आओगे इंटरनेशनल टैक्स में, मैं तुम्हें आज ही बता दूं कि टैक्स को एक और नाम से जानते हैं टैरिफ, बराबर है। सो ड्यूटीज इज ऑन गुड्स व्हाइल टैक्सेस इज ऑन अदर देन गुड्स, प्लीज राइट डाउन, डायरेक्टली लिखिए टैक्सेस एंड ड्यूटीज।
taxes are also called as tarif. If the subject matter is other than goods, we use the word taxes. आप इसलिए देखिए goods and service tax को अगर आप देखोगे तो goods भी है और services भी है, but tax is a more wider word than duties. Is that done? चलिए तो एक सवाल था क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है? आंसर इज नो. टैक्स में सरचार्ज भी आता है और सेस भी आता है. जब हम किसी वर्ड को कहते हैं कि आप पे टैक्स लगा है तो टेक्निकली हम उस पर सिर्फ टैक्स नहीं लगाते, हम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज एंड सेस भी लगाते हैं. स्पेलिंग फिर से सुनिए, CESS, राइट. सो टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस, हाँ ठीक है, प्रोनाउंस इट राइट. सो टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है क्या बेटा? नहीं. तो टैक्स तो आपको पता चल गया दैट इट इज अ टैरिफ. हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, एक्ट हमने खोद दिया, हम दूसरा वर्ड खोद रहे हैं टैक्स. टैक्स खोदने का जब हमें पहली चीज पता चली, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दूसरी चीज पता चली टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या है, हम तीसरी चीज पे आ गए क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? आंसर इज नो. टैक्स में तीन चीजें होती है, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस. अब आप ये पूछेंगे सरचार्ज क्या है? पूछो ना सरचार्ज क्या है बेटा. सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल लेवी. क्या मतलब होता है? एडिशनल लेवी. कई बार सरकार को कुछ एडिशनल टैक्स कलेक्ट करना होता है. यह किन से कलेक्ट किया जाता है? यह कलेक्ट किया जाता है अमीरों से सिर्फ, यह गरीबों से नहीं लिया जाता, यह सिर्फ अमीरों से लिया जाता है विद द कॉन्सेप्ट अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, प्रोग्रेसिव बेसिस. तो ये सिर्फ अमीरों से लिया जाता है. अमीर मतलब कौन? हाल फिलहाल में अमीर मतलब जिसकी एनुअल इनकम 50 लाख से ऊपर हो. जिसकी एनुअल इनकम कितने से ऊपर हो? 50 लाख से ऊपर हो, उनसे सरचार्ज लिया जाता है. सर सरचार्ज लेने का पावर कहां से आया? सरचार्ज लेने का पावर आया अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 271, आर्टिकल नंबर सरकार को पावर देता है कि आप टैक्स के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट भी कलेक्ट कर सके, इसे हम कहेंगे सरचार्ज. जब आपकी इनकम एक लिमिट के ऊपर जा रही हो आपसे और कलेक्ट किया जाएगा. एक छोटी सी बात बताता हूं. इमेजिन कीजिए अगर अगर एक चाय बेचने वाले की इनकम लेट से 5 लाख रुपए होगी, उससे अगर टैक्स मांगने जाए तो एज ए टैक्स पेयर उसके मन में एक पॉइंट तो आता होगा, यार मैं गरीब साल भर में 5 लाख रुपए ही कमा रहा हूं, तुम मुझसे क्यों लेते हो? अंबानी इतना कमा रहा है उससे क्यों नहीं लेते? सलमान खान इतना कमा रहा है आप उनसे क्यों नहीं लेते? इनके तरफ से रिप्लाई जाता है सर हम उनसे भी लेते हैं. कितना? टैक्स तो लेते ही लेते हैं, सरचार्ज भी लेते हैं उनसे. तो आर्टिकल 271 हमें पावर देता है कुछ लोगों से और एक्स्ट्रा कलेक्ट करने का. आर्टिकल नंबर 271 ये कितना है क्या है सब बाद में देखेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है सरचार्ज मतलब क्या होता है. सो सरचार्ज का मतलब क्या होता है? ये लेवी किया जाता है कौन से आर्टिकल के हिसाब से? 271. ये एक एडिशनल टैक्स होता है जिसे हम टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं. टैक्स का एक परसेंटेज बोल करके सरचार्ज लिया जाता है, इनकम का नहीं, टैक्स का एक परसेंटेज सरचार्ज बोल के लिया जाता है. सरचार्ज मैंडेटरी है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो. मतलब प्रॉब्लम में आपको बोलेंगे नहीं टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस निकालो, प्रॉब्लम आपको सिर्फ इतना बोलेगा टैक्स निकालो. ये आपको ढूंढना है वो इनकम उतने से ऊपर जा रही है क्या तो मुझे सरचार्ज लगाना है. तो ये आपको ढूंढने वाली बात है और ये मैंडेटरी है. आपको ऑप्शन नहीं दिया आप पे करेंगे या नहीं करेंगे, मैंडेटरी है. इनकम 50 लाख के ऊपर गई सरचार्ज आ गया. गेटिंग इट ऑन नॉट? सो प्लीज राइट डाउन सरचार्ज. इट इज लेविड यूजिंग द पावर. It is levied using the power
under Article 271. It is additional tax or tax on tax. It is additional tax or tax on tax. It is mandatory if conditions are satisfied. It is mandatory if conditions are satisfied. डन मालिक प्रभु डन. आज का एक आखिरी वर्ड सेस. सेस पहले नाम हुआ करता था, मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम रख दिया HEC. हालांकि इसे आज भी सेस के नाम से ही जाना जाता है, बस नाम रीचेंज कर दिया है HEC, जिसका फुल फॉर्म हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. 2014 की बात है जब मोदी जी आए और उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता पढ़ाई और हेल्थ के तरफ है और इसीलिए सेस आया. सेस क्या होता है? सेस अगेन एक और लेवी की जाती है. किस लिए? किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए. जैसे कि अगर आप नाम देखें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरकार इस पैसे से अपने कुछ स्पेसिफिक पर्पस पूरे करती है. सरकार इस पैसे से अपने कुछ स्पेसिफिक पर्पस पूरे करती है. एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम. ये क्या चीज होती है? सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम भारत सरकार की एक पहल है गरीब या लोअर तबके के वर्गों के लिए, जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन और हेल्थ. नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो पैसा लगता है, या मिड डे मील स्कीम के तहत जो पैसा लगता है, या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा लगता है. आपने इनफैक्ट एक मूवी भी देखी होगी हिचकी, हर स्कूल में मैंडेटरी है कि लोअर तबके के कुछ लोगों को मैंडेटरीली आपको रखना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट सरकार बेयर करती है. ये पर्पसेस सेस से पूरे होते हैं. समझ में आई बात? तो टैक्स में आप सिर्फ टैक्स देते क्या? नहीं, टैक्स अमीरों से एक और चीज ली जाती है, सरचार्ज और सेस. सेस अगेन मैंडेटरी होता है. आपको प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो, आपको लगाना है. प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला है. हालांकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, टैक्स का पैसा जो कलेक्ट होता है सरकार इससे कुछ भी कलेक्ट कर सकती है, पर सेस का जो पैसा होता है सरकार इसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है, किसी और पर्पस के लिए नहीं. जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जितना टैक्स कलेक्ट होगा यह सिर्फ हेल्थ या एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा. मान लीजिए आर्मी वालों की सैलरी देना है, वो इससे नहीं हो सकती. गेटिंग इट ऑर नॉट? सो व्हाट इज सेस नाउ रीनेम्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? इट इज अगेन एन एडिशनल लेवी, एक और चीज है जो लगाई जाती है. मैंडेटरी है, पूछा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा. टैक्स निकालने बोला मतलब ये आएगा आएगा. तीसरी चीज, इट इज अप्लाइड ऑन टैक्स आफ्टर द सरचार्ज और रिबेट. इट इज एडिशनल लेवी, एक और चीज है जो लगाई जाती है. मैंडेटरी है, याद होगा तो लेवी का मतलब हम पढ़ चुके हैं, लगाना. इट इज अप्लाइड ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज और रिबेट. और अब मैं आपको आपके दिन की सबसे शानदार चीज बताने जा रहा हूं, और मेरा चैलेंज है आज जाना और अपने दोस्तों से जरूर पूछना. वापस एक सवाल सभी लोगों से, लास्ट 5 मिनट ध्यान दो, आज का लेक्चर खत्म हो रहा है. आपको बता दूं 3 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेना, ठीक है? और ऐसा ही है बेटा, मेरा लेक्चर पता नहीं चलेगा कब आएगा और कब जाएगा, और मैंने आपको बोला था सबसे शानदार लेक्चर होने वाला है. टैक्स में 3 चीजें होती है बेटा, बोल. टैक्स, सरचार्ज, सेस. अंडरस्टैंड डीप डाउन, जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है
ये कलेक्ट कहां किया जाता है? इसे कलेक्ट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये जो टैक्स कलेक्ट होता है, सेंटर भी चलाना है और स्टेट भी चलाना है, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स डिवाइड हो जाता है। क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, आप एग्रीकल्चर और इनकम टैक्स अलग अलग पे नहीं करते, आप एक साथ पे कर देते हो, और सेंटर लेवल पे इसे डिवाइड किया जाता है कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है। स्टेट अगर बड़ा है तो उसे ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट अगर छोटा है तो उसे कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इनकम टैक्स और एग्रीकल्चर पर टैक्स एक साथ कलेक्ट करते हैं और बाद में इसे डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। सर कौन डिवाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास ये एक और काम होता है कि किस स्टेट को कितने पैसे देने हैं। तो इनकम टैक्स, सरचार्ज प्लस सेस, ये तीनों एक साथ कलेक्ट हुआ, ये तीनों एक साथ कलेक्ट हुआ। सेंटर पे कहां कलेक्ट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहां कलेक्ट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है। कौन डिवाइड करता है? प्रेसिडेंट। ऐसा करने किसने कहा? आर्टिकल 272 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 272 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो भी टैक्स कलेक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा, और ये डिवीजन का पावर किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं, प्रेसिडेंट द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगा किसको कितना जाएगा। दूसरा, दिमाग देखिए साहब, गवर्नमेंट का बड़ा मजा आएगा आपको। सरचार्ज कलेक्ट होता है, बोलो हाँ। सरचार्ज भी पार्ट बनता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। स्टॉप, ये सिर्फ यूनियन को जाता है, ये सेंटर और स्टेट में डिवाइड नहीं होता। मोदी गवर्नमेंट, उनने सरचार्ज बढ़ाया, टैक्स नहीं। कई पर्पस थे जो पूरे करने थे, कई आर्टिकल हटाने थे, मंदिर बनाना था। टैक्स हैज अ लॉट टू डू विद पॉलिटिक्स। उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, सरचार्ज बढ़ा दिया। ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इनके काम करने का तरीका बहुत रॉबस्ट है। कुछ पैसा इनको अपने हाथ में ही होना, कुछ सेंटर एंड स्टेट डिवीजन नहीं, कुछ पैसा अपने हाथ में रहेगा और कुछ पॉलिसी हम ही चलाएंगे। साहब मैं आपको हाइट बताता हूं, 6 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए अब सरकार को, 8 महीने के अंदर इस सरकार ने करीब 32 लॉ बदल दिए। 8 महीने के अंदर इन्होंने 6 ऐसे काम कर दिए जो इनने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लिखे थे। ये वाला आर्टिकल हटाएंगे, ये स्टेट को डिवाइड कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बस बोल नहीं सकता, बट आपको समझना है। मंदिर बनाएंगे, धनाधन धनाधन 6 महीने के अंदर ही काम कर डाला पूरा। 70 साल से चले आ रहा पेंडिंग इशू 6 महीने में खत्म। आज सुनते किसी की नहीं, तुम कितना भी चिल्लाओ ये मत लाओ ये मत लाओ, सुनना किसी की नहीं। सरकार जो काम कर रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट मैं जब से टीच कर रहा हूं, मैंने मेरे 4 फाइनेंस मिनिस्टर देखे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर देखे हैं अलग अलग, इंटरिम बजट इंक्लूड करके। पर सर ये बहुत रॉबस्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं। इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, पैसा इनके हाथ में चाहिए था, इनने छेड़छाड़ किसके साथ करी? सरकार। आपको आज से 3 दिन बाद मैं वापस ये लाइन समझाऊंगा, बेटा देख सरचार्ज में चेंज है, और ये 3 दिन पहले मैंने तेरे को समझाया था कि ये क्यों चेंज कर रहे हैं सरचार्ज को। पैसा सेंटर के पास, जो पॉलिसी चाहे वो चलाएंगे। टैक्स तो डिवाइड होगा ना सेंटर और स्टेट, फिर प्रेसिडेंट के पास जाके नहीं हमको इतना दो हमको इतना दो, अरे चाहिए ही नहीं हमको, करने का सरचार्ज बड़ा, गेम ओवर। और ये इनके हाथ में, प्रेसिडेंट का भी मैटर खत्म कर दिया कानूनी तरीके से। सेस जो होता है, नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पर ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है। सो टैक्स में कितने पार्ट आते बेटा? 3, टैक्स, सरचार्ज, सेस, तीनों में किसका पार्ट है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन टैक्स जो है उससे कुछ भी कर सकते हैं, सरचार्ज सिर्फ सेंटर का, और सेस सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कंप्लीट कर लीजिए साहब, और आज जाओ अपने दोस्त को पूछना, बोलना टैक्स में पहले तो क्या आता है, मैं तो चैलेंज देता हूं वो बता ही नहीं पाएगा टैक्स में 3 चीजें आती। और फिर उससे पूछना बता कौन सा किसका,
पहली बात तो उसको आर्टिकल भी नहीं पता होगा, मैं आर्टिकल भी बता रहा हूं, आप जाके चेक कर लेना आज, और फिर उसके आंख से आंसू निकलेंगे और वो बोलेगा भाई रिस्पेक्ट। फिर उसको बोलने का बेटा कल भी बेसिक किया आ जा। जी बेटा, एवरी वन, गरीब हो या अमीर हो, टैक्स है तो सेस है। टैक्स का ही परसेंटेज होता है, 3 दिन में पता चल जाएगा कौन सा कितना क्या होता है। आज का दिन सिर्फ मीनिंग क्या होता है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सिर्फ 2 ही वर्ड पढ़ा पाया, मैंने आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया भाई, मैंने सिर्फ आपको 2 ही वर्ड पढ़ाए, टैक्स और एक्ट, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको। आप इसे CFI भी लिख सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। खैर, आज तो बेसिक का ही लेक्चर था, इनकम टैक्स हमने पढ़ा ही नहीं, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ना हमने 1961 पढ़ा ना इनकम पढ़ा, वो होता है ना सीरियल में सब कुछ एक साथ नहीं होता। कल का इंतजार रहेगा, ध्यान से सुनिए मेरी कुछ बातों को, फटाफट एक क्विक रिकैप लेते हैं, वापस से फर्स्ट पेज पे आइए, सिर्फ क्विक रिकैप, फटाफट पेज टर्न करना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्विक रिकैप देता हूं। सबसे पहले मैं आया, मैंने आपको सिर्फ मेरा नाम बताया, विशाल सर ने बोला एक बड़ा प्राणी एक छोटा प्राणी, बराबर। नाउ इसके बाद हमने चालू किया, हमने टैक्स का हिस्ट्री जाना, राइट। सबसे पहले ये अर्थशास्त्र में आता है, सिर्फ अपनी बुक देते रहो फटाफट रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आज घर पे जाके तुम पढ़ोगे नहीं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, सुनो। सबसे पहले हमने जाकर के अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र में बोला गया था जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन, ठीक उसी हिसाब से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो व्हिच मींस रेट ऑफ टैक्स, पहली बार सर जेम्स विल्सन ने 1860 में लेके आया, भारत में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट बना 1922 में, फिर आया 1961 का एक्ट और फिर आया 1962 का रूल्स। आज हमारा एक सवाल पेंडिंग रहा, एक्ट 61 क्यों और रूल 62 क्यों, एक्ट और रूल्स का डिफरेंस हमने आज ही समझ लिया, बस ये एक सवाल आज भी पेंडिंग था, एक्ट 61 और ये 62 क्यों, कल का लेक्चर आपको देखना होगा। इसके आगे हम बढ़े, इसके आगे हमने समझा बेसिस ऑफ पेपर पैटर्न क्या होता है, 7 पेपर आए, 7 क्वेश्चन आएंगे, 6 सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े ये समझने के लिए कि टैक्स और जीएसटी का पेपर अलग अलग सॉल्व करना होता है, राइट। फिर हम आगे बढ़े, हमने समझा टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव बेसिस पे कलेक्ट होता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स, स्टॉप, हायर द इनकम हायर द टैक्स, जितना ज्यादा कमाओगे टैक्स तो लगेगा ही, हायर द इनकम हायर, और इन दो पे सेस भी लगेगा, इसीलिए प्रोग्रेसिव बेसिस है, हायर द इनकम हायर द टैक्स, समझा वापस रिवाइज क्यों करवाना था। इसके आगे हम बढ़े, हमने बोला एक्ट पढ़ना है तो पहले समझ तो ले क्या क्या बदलना है, एक्ट मतलब क्या होता है, एक्ट मतलब सॉरी सेक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन कैसे रीड करते, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज, सेक्शन 298 है इनकम टैक्स के अंदर में, टेक्निकली 758 है, डन। इसके बाद हमने पढ़ा एक्ट क्या होता है, एक्ट इज डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, स्टॉप, आपके फ्रेंड ने फोटो चेंज किया, आपको फेसबुक या इंस्टा पे क्या आता है, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर के एग्जाम के सारे नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होते हैं, नोटिफिकेशन egazette.nic.in से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन और एक्ट अगर दोनों भिड़ गए तो नोटिफिकेशन जीतेगा। फिर आया सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है, डिपार्टमेंट वालों के लिए है, आपके लिए डिपार्टमेंट कोई और ओपिनियन ना ले कि ये कचरा है बॉनविटा है या विस्की है, इसीलिए उनको एक ही चीज बोली सर्कुलर, विच इज circulated to all, 6 months before exam are applicable, website से मिल जाएगा, incometaxindia.gov.in। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि पहले केस लॉ पढ़ने का या एक्ट, सबसे पहले एक्ट पढ़ने का, एक्ट के बाद केस लॉ के बाद कस्टम। फिर हमने पढ़ा एक्ट में क्या सिर्फ एक्ट होता है, आंसर इज नो, एक्ट में एक्ट होता है, एक्ट के बाद क्या होता है शेड्यूल, शेड्यूल के बाद क्या होता है अनेक्स्ट, ये 3 चीजें होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या पढ़ा, एक और चीज पढ़ी, बोलो क्या, क्या चीज पढ़ा हमने, लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ा हमने, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या थी मालिक, लॉ मेकिंग प्रोसेस सबसे पहले 2 तरीके से, एक जब पार्लियामेंट सेशन में हो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो
पार्लियामेंट बना सकती है एज पर आर्टिकल नंबर 265, प्रेसिडेंट बना सकता है आर्टिकल, ठीक है, ये बनाया ऐसे क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस, कितने महीने के लिए वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए, लॉजिकल। फिर हम गए 265 में, 265 में कहा नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट। तो हमने समझा कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले कानून लगेगा, लॉ लगेगा, उसके थ्रू लेवी या कलेक्ट किया जा सकेगा, राइट। और कोई अथॉरिटी चाहिए, हम अथॉरिटी ढूंढने निकले, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कोई भी कानून पास करने की, जब तक के 123 लागू नहीं होता, क्लियर है। पार्लियामेंट लॉ को पास कर सकता है, पार्लियामेंट ने अपने पावर 3 लोगों में डिवाइड कर दिए, कुछ काम सेंटर करेगा, कुछ काम स्टेट करेगा और कुछ दोनों मिलके करेंगे। ये भारत को एक करने की एक प्रक्रिया थी, ठीक है। सेंटर को पावर मिला, एंट्री बनी, एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट बना, जिसने पूरा का पूरा आपको क्या किया, डिटेल्स दी टैक्स कलेक्ट करने की। एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट को मिला, लेकिन हम क्या अलग अलग कलेक्ट करते हैं या एक साथ, और बाद में क्या करते हैं डिवाइड, ये डिवाइड कौन करता, आर्टिकल 270, समझ में आया क्या, ये डिवीजन कौन करता, प्रेसिडेंट करता। फिर हम आगे बढ़े, एक्ट एक्ट खत्म हो गया था, फिर हम गए थे टैक्स में, टैक्स के दो प्रकार थे भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खुद पे करना पड़ता है, इनडायरेक्ट दूसरों से कलेक्ट करके पे किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स के 4 प्रकार हुआ करते थे, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, 3 सस्ते नशे खत्म किए और 1 इनकम टैक्स लेके आ गए, याद आया, राइट। और जीएसटी एक नया कानून आ गया, 1 नेशन 1 टैक्स, और कस्टम अभी पड़ा हुआ है। फिर हमने समझा क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है, नहीं, हम आगे बढ़े, टैक्स में 3 चीजें होती है, टैक्स, सरचार्ज, सेस। सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल लेवी, अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, बराबर है। अमीरों पे एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता है, आपको बोला नहीं जाएगा पर कैलकुलेट करना है, ये सुनो, एक इनकम एक लिमिट के ऊपर चले गई तो वो क्या लिमिट है बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी मीनिंग समझना है। दूसरी चीज जो हम कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा बेटा, सेस, नाउ रीनेम्ड एज HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंडेटरी है, बोला हो नहीं बोला हो कैलकुलेट करना होगा। फिर हमने डिटेल में गौर समझा कि ये तीनों कलेक्ट तो एक साथ ही होते हैं पर डिवाइड होते हैं। इनकम टैक्स, सरचार्ज एंड सेस बिकेम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इनकम टैक्स सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है, जैसा प्रेसिडेंट कहेगा वैसा। सरचार्ज जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होता है, और सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। हमें 4 वर्ड पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आज सिर्फ 2 ही पढ़ा पाया, टैक्स और एक्ट। मजा आया मालिक, सुनिए आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक लिया, कई आपके दोस्त होंगे आप जाकर के पहले ही समझ जाओगे, आज आप खुद ही समझ गए होंगे, कई बच्चे डेमो के लिए आते हैं, आज आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आपको डेमो की नहीं क्लास की जरूरत है, ठीक है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स और कॉस्टिंग, अभी तुरंत आपका लेक्चर होगा कॉस्टिंग का, राइट। कॉस्टिंग के लिए हमारे पास दर्शन चंडालिया सर है, जो ऑलरेडी CA फाइनल में कॉस्टिंग ले रहे हैं, मुंबई में, नासिक में और पुणे में ऑलरेडी पढ़ाते हैं। आप किसी भी CA फाइनल वालों से पूछोगे तो आपको वैसी दर्शन सर का नाम बता देगा। और 2 बजे आपका खाने का ब्रेक होगा, 2 मतलब 2 या 2:10 को, करीब 2:30 बजे तक के आपका क्या होगा, लॉ होगा, और 2:30 बजे से आपका एक और टॉपिक शुरू होने वाला है, दर्शन सर 2:30 बजे से आपका एक और चालू होने वाला है, और एक तूफान आदमी से मिलने का मौका मिलेगा तुम्हें, दर्शन खरे सर, सब प्लीज कम गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दर्शन सर। सर ये लोग बहुत एनर्जेटिक बैच है सर, अभी बहुत हंस रहे थे, पता नहीं मेरे पे क्यों हंस रहे थे ये लोग। तो ये है दर्शन चंडालिया सर, फाइनल में ऑलरेडी लेते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोल पाऊंगा कि वीस्मार्ट के अंदर में एक चीज तो बड़ी कॉमन है, अगर आपको एनर्जी लेवल जो आपको दिखेगी वो सुबह से लेकर शाम तक के हर टीचर की बिल्कुल वैसी दिखेगी, जो अकाउंट्स में बैठे होंगे वो समझ गए होंगे अभी तक के। और एक बात मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप मेरे को पसंद कर रहे हैं या मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो आप एक बार बैठ के देख लो, जिन जिन ने अभी तक के डिसाइड नहीं किया होगा वो एक बार बैठ के देख लो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, 2:30 बजे से 4:30 या 4:45 बजे तक के आज होगा, दर्शन सर का कॉस्टिंग डे, और हमारे पास एक और दर्शन सर है, दर्शन खरे सर, उनका लॉ और अलग लेवल पे ही है वो तो, राइट। तो सुबह से लेकर शाम तक के वीस्मार्ट के अंदर में ये चीज बहुत अच्छी से होगी कि हर टीचर जो इंटर में है वो फाइनल में भी है, और उस लेवल का मजा आपको जरूर आएगा। इज दैट डन, बाय बच्चों।